लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ, धीरज रखो, हॉस्पिटल आ गए। धीरे, आओ, आ जाओ, आराम से, क्यों पेट से है क्या? हमारा भी सेम केस है। क्या तू भी पेट से है क्या? मैं नहीं भाई, मेरी बीवी की डिलीवरी है आज, इसलिए टेंशन बढ़ गया है। ये देखो खंभा पी रहा हूँ, आप पीने क्या? नो, नहीं। डॉक्टर, इमरजेंसी है डॉक्टर, कम ऑन क्विक, नर्स। Congratulations, आप दोनों को जुड़वा बेटे हुए हैं। दोनों को जुड़वा बेटे हुए हैं क्या? ये बताइए, ये खंबे का कमाल है या सच्चाई? चुप कर, क्या बकरा है, ये बिल्कुल सच है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी, रूम चाहिए या बेड चाहिए? पूरा होटल दे दो, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें दिखने में गरीब नजर आ रहा हूँ क्या? डबल रूम विथ एसी। ठीक है, एड्रेस और नाम लिख दो। नाम सलमान खान, एड्रेस मुंबई। कब तक रहेंगे? काम पूरा होने तक। किस काम से आए हैं? पर्सनल, सब कुछ आपको बताना होगा क्या? टेक इट द एडवांस। 420। हाँ, मुझे 420 कह रहे हो? आई एम पक्का जेंटलमैन। मैंने रूम नंबर बताया है। तो फिर ठीक है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, क्या लेंगे, कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक? इतना ओवर एक्शन करता है, मतलब ओनर यही लगता है? हाँ जी, अच्छा पहचाना आपने। इसे देखा है क्या? ये कौन है, कहीं आपका भाई तो नहीं? नॉनसेंस, एक स्मगलर को मेरा भाई बोलता है। सर, जानकारी के लिए पूछ रहा था, ये स्मगलर है क्या? और नहीं तो क्या, हेरोइन के व्यापारी शेरू खान के पास से 10 लाख के हीरे चुराए हैं इसने। 10 लाख के? अभी भी वो हीरे उसी के पास है क्या? क्या चुराएगा क्या? अरे बाप रे बाप, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर वो इस लॉज में आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। कौन है बाहर? अरे भाई, मैं हूँ लॉज का ओनर। क्या भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये क्या है, दरवाजा बंद कर रहे हो? हाँ, खिड़की भी बंद कर रहे हो? सर, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मैं भी उस टाइप का नहीं हूँ। चल चल, हीरा निकाल। हीरा? कौन सा हीरा? चुपचाप निकालता है या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस नहीं सर, मैंने बहुत मेहनत से उसे चुराया है सर। बोल तो ऐसे रहा है, बड़ी मजदूरी की हो। अरे की तो चोरी है, चल ऐसा मत कहिए सर, हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। हीरो को दो हिस्से में करके हम दोनों बांट लेते हैं। हीरे के दो हिस्से करना चाहता है, नारियल नहीं है, हीरा है। लोहे को लोहे से काटते हैं और हीरे को हीरे से काटते हैं। अरे बापरे, ये हीरे को काटने के लिए एक हीरा कहाँ से चुराऊं? और एक रास्ता है, बता। 5 लाख मेरे मुंह पे मार दो। उतने पैसे नहीं है, 50,000 चाहिए तो बता। क्या कहा, सिर्फ 50,000? हाँ ठीक है, वही दे दो। चोरी के हीरे के बदले जो भी मिले वही सही। स्पेलिंग तो करेक्ट ही है, यहाँ पर क्यों आए हो? हीरा चोरी करने के जुर्म में तो मैं अरेस्ट करने के लिए। हीरा मेरे पास नहीं है सर, सर ने खरीद लिया है। हैंड्स अप। हैंड्स अप करूंगा तो सीलिंग फैन लगेगा। हीरे चोरी करके उसे बंटवारा करता है। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो 3 हिस्सा कर लेंगे सर। क्या कह रहा है,
सिंसियर ऑफिसर को, ऊपर से यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म को बगल में रख दो ना सर, हम लोग तीन ही सा कर लेते हैं। मेरे लिए अरे सुनिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये हीरा मेरे पास छोड़ दीजिए, आपको भी मैं 50,000 देता हूँ, दोनों मिलके लाख रुपए में समझौता कर लो। मेरी तरफ से भी ओके है। हाँ तो मेरी तरफ से भी ओके है। तू कहाँ जाता है बे, तुझसे तो बहुत कुछ हिसाब करना है। सर चल इधर, चल चल। हेलो, अब कहाँ बे, चल मेरे साथ चल। अरे यार, हीरा क्या हुआ डैड? क्या बात, हीरा है बेटी, हीरा 10 लाख का हीरा है। सच में डैडी, 10 लाख का है? अरे मिला क्या कोई सांप का बिल है जो मिल जाए? मैंने अपना मास्टर ब्रेन यूज करके चोर और पुलिस को लाख रुपए दे के इसे हथिया लिया। चोर और पुलिस? क्या? हाँ। वो कौन है? अरे वो कोई वीआईपी थोड़ी था जो मैं उसका एड्रेस और ऑटोग्राफ लेता है। वो वीआईपी हो या नहीं, पर आप एक नंबर के बेवकूफ हैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? देखिए, बाप रे मेरा हीरा टूट गया। हीरा नहीं है डैडी, पेपर वेट है। पेपर वेट? धोखा, इतना बड़ा धोखा। पुलिस में रिपोर्ट करें? क्या पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। तो फिर अब क्या करें बेटी, मेरे लाख रुपए तो चले गए ना। तो हम इससे बड़ी चीटिंग करके उनसे पैसे ले आएंगे डैडी। जब जवान था तब बड़े बड़े सूटकेस चोरी करता था, रिटायरमेंट की एज आने के बाद ये देखो पर्स चोरी करके काम चलाना पड़ रहा है। ये आप क्या बोल रहे हो पिताजी, आपने कहा था तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। अरे मम्मी कम से कम आप तो समझाओ। समझाने से क्या फायदा, इस हाथ को ब्लेड पकड़ने की आदत है, अब तुम ही बताओ खाली कैसे बैठूं। घर में रहते तो घर का ही सामान चोरी करके मुझे लाके कहते इसे बेच दो, ये बात जानता है? नहीं मम्मी, ये सब करने के लिए दो बेटे है ना डैडी, ये आज का कलेक्शन। शाबाश, ऐसे काबिल बेटों के पिता होने पर मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन है आप? ऐसा लग रहा है आप लोग अभी अभी बड़ी होकर सीधे स्कूल से यहाँ आ रही हैं। Shut up. हम हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं। सुनिए, हम में से किसी को भी मलेरिया फलेरिया नहीं हुआ, आप लोग जाइए। मिस्टर, आज पल्स पोलियो डे है, इसलिए पोलियो की बूंद फ्री में पिलाने आए हैं। तुम्हारे बच्चों को बाहर बुलाओ। अरे भाई हमारे पास अभी बीवी ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे, चाहिए तो अगले साल आइएगा, बच्चों को पैदा करके आपके लिए रखेंगे। मतलब आपके घर में बच्चे नहीं है? तो फिर आप ही ले लीजिए। हाँ? आपको क्या हम कोई स्कूल जाने वाले बच्चे लग रहे हैं? अरे मैडम हमारी तो उम्र शादी करने की हो गई है। सी मिस्टर, इस शॉप में बहुत मजेदार बात है, ये बच्चों के लिए पोलियो दवाई है और तुम्हारे जैसे बड़ों के लिए शादी की पोलियो है। क्या कहा, शादी का पोलियो? मजेदार है। ये दो बूंद बस ले लेने से परिवार और जिंदगी दोनों ही बहुत मजेदार हो जाते हैं। तो फिर जल्दी से पहले मेरे मुंह में एक शीशी डाल दो। आंटी आप भी ले लीजिए। हाँ, हाँ, ले लेती हूँ, फ्री में तो मैं फिनाइल भी पीने को तैयार हूँ। चलिए आराम से आराम से। तुम दोनों को चाहिए? चाहिए ना, लेकिन ये तो बता दीजिए कि पीने के बाद हम मैच कहाँ खेलेंगे? सबसे पहले पिच रेडी करेंगे, तभी तो क्रिकेट मैच होगा ना। पियो ना। स्वाद तो अच्छा, लेकिन मुझे कुछ कुछ हो रहा है। चल 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 दीदी, अब चलो चलते हैं। सिर्फ अपने ही पैसे ले जाने में कैसा थ्रिल। हाँ, बोनस के लिए टीवी और वीसीआर ले चलते हैं। हेलो डार्लिंग। हाँ गुड मॉर्निंग माय सन। डैड डैड डैड, हेलो डैड, हाउ आर यू? क्यों रे, अभी तक सो रहे हो क्या? उठ गया हूँ डैड। आप क्या बोल रहे हैं, अरे एक घंटा पहले मैं उठ गया था, इस वक्त तो मैं जॉगिंग कर रहा हूँ डैड। वैसे भाई कहाँ है? अब यही पर है डैड। हेलो डैड, हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग? ठंड लग रही है इसलिए शॉल ओढ़कर थोड़ी जॉगिंग कर रहा हूँ मैं। हाँ वेरी गुड, टाइम की कदर करोगे तो जिंदगी भर गुड टाइम। असल जिंदगी में जॉगिंग वॉकिंग रनिंग ये सब बहुत जरूरी है। अमेरिका से फिर कैसेट लगाया है? तू सुन भाई, मुझे नींद आ रही है। ओह यस डैड, यू आर ग्रेट डैड, आप जैसे पिता का बेटा होना हमारी खुशनसीबी है। ओ बॉय, आधे घंटे में आ रहे हो क्या? ओके डैड, आता हूँ डैड, बाय डैड। हर आधे घंटे में फोन करके मेरी नींद खराब कर देते हैं, इसके बाद नींद भी नहीं आती है। इस फोन बनाने वाले को धो देना चाहिए। लकी सो जा भाई। हाँ और कितने दिनों तक ऐसे ही रोमांस चलेगा? अर्ली मॉर्निंग, यंग लवर्स का अच्छा मूड होता है और इसी टाइम डैडी फोन करते हैं, अब क्या करें, डैडी है वैसे भी ये सब सहमे क्या। ओके बाय। दे दूंगा सेट, थोड़ा धीरज रखो, लॉकर का आखिरी नंबर तो सेट होने दो। भाई तुम फिर से ऐसा कह रहे हो, दो साल से तुम यही बात कर रहे हो, नंबर सेट नहीं होगा तो मेरा पैसा नहीं दोगे क्या? अरे मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सेट होते ही दे दूंगा। वो सब मुझे नहीं मालूम, करेक्टली तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ,
इज्जत से मेरा पैसा लाकर देगा तो ठीक है, वरना मैं चला जाऊंगा। कहाँ पे? अजहर भाई के पास। क्या अजहर भाई? हेलो हेलो हेलो, काट दिया अजहर भाई। अरे बाप रे, लॉकर सेट नहीं हुआ तो खुल जा रे सिम सिम, खुल जा। मामा जी, व्हाट आर यू डूइंग? लॉक बराबर लगा है कि नहीं वही चेक कर रहा था। नंबर वाला ताला है मामा जी। अरे वो क्या है कि मैं इसका नंबर भूल गया हूँ। इसका नंबर भूल गए हो? कितना सिंपल नंबर है। व्हाट इज दिस मामा जी? रशिया जनता से अमेरिका की जनता को निकाल के उसमें माधुरी दीक्षित के एस से मिला के विजय शांति के बदन के तिल से गुणा करके ताजमहल के संगमरमर से जब माइनस करेंगे तो जवाब अपने आप आ जाएगा मामा जी। अरे तुम्हारा फोन। माय पार्टी। हाय बेबी। डैड। हेलो डैड, हाउ आर यू डैड? हां क्या कर रहे हो? जॉगिंग कर रहे डैड। जॉगिंग? क्या बात कर रहे हो, दोपहर को जॉगिंग क्यों कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए क्या? ऑफिस स्पेलिंग मिस्टर डैड, चेकिंग चेकिंग फाइल चेकिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें एक खास बात बताने के लिए फोन किया है मैंने। व्हाट इज इट डैड? आने वाले 16 को मुहूर्त अच्छा है, उसी दिन तुम दोनों की मैरिज फिक्स की है हमने। आने वाले 16 को हमारा मैरिज फिक्स कर दिया। मैरिज? थैंक यू डैड। अब बोलिए डैड। पहले तुम जाके अग्नि बाबू से बात करो, एग्रीमेंट करना है। ठीक है रखता हूँ, एक घंटे के बाद फोन करता हूँ। ओके फाइन। ओके डैड, बाय डैड। डैडी ये बात अग्नि बाबू को बताने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो होंगे कहां इस वक्त? भाई अग्नि यही है? बता बता इसके पीछे किसका हाथ है? इज्जत से बता दे। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, मुझे नहीं पता। सच मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। सच बताएगा कि नहीं? बताता हूँ बताता हूँ। सच बोलेगा तो छोड़ दूंगा, बोल। होम मिनिस्टर MP वेंकट नारायण शंकर दयाल शर्मा, MLA नागेंद्र ओम प्रकाश हरिहरन, DJP राम, PSP बता दिया ना, अब मुझे छोड़ दो। अग्नि ने जबान दे दी तो दे दी, तो फिर छोड़ दो मुझे। ले छोड़ दिया। अग्नि अग्नि अग्नि, कौन है ये अग्नि? खुद को समझता क्या है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। अग्नि। यस आई एम अग्नि, बुरे लोगों के लिए बुरा अग्नि, अच्छे लोगों के लिए न्याय करने वाला अग्नि, बुराई को हवन से जलाने वाला अग्नि, ऑल टुगेदर पुलिस का शेर अग्नि। तू कितना भी बड़ा पुलिस वाला होगा, लेकिन हम पॉलिटिशियंस को बचाना ही तेरी ड्यूटी है। ये टोपी, ये बेल्ट, ये खाकी ड्रेस जो है पता है? यूनिफॉर्म है इसलिए। कब्रिस्तान? कब्रिस्तान नहीं, खबरदार बोल। पता है तुम्हें उसी जगह पर पहुंचाना है, इसलिए मैंने भी वही कहा। अग्नि होल्ड योर टंग, तुम्हें पता है तुम कितने बड़े लोगों के साथ बात कर रहे हो? पता है सर, ये कितने बड़े लोग हैं ये सब पता है। ये कड़पा में बॉम्ब भेज रहा है तो मैंने भी उन बॉम्ब के साथ अपने पैरों से फुटबॉल खेली। ये अग्नि की आग को सह नहीं पाया तो इसने मुझ पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ये नकली शराब बेचते वक्त रेड हैंडेड पकड़ा गया, इसलिए इसने मुझसे बंदर डांस करवाया। और इसकी बात करें तो ये वैश्यों का व्यापार करता है, बीच रास्ते में मैंने इसे पकड़ के पूरी तरह से धोया तो ये आज मेरे खिलाफ हो गया और मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। और अब हम बात करते हैं इन बुजुर्ग की। मेटल पे सोने की परत चढ़ा के नकली गोल्ड बिस्किट बेचने के चक्कर में मैंने जब इसे खुलेआम गिरफ्तार किया और इसे गधे पर बैठा के घुमाया तो उसी वजह से इसने मेरा यहाँ ट्रांसफर करवा दिया। बट नोबडी कैन कैच अग्नि, nobody can match Agni. Yes, because Agni is fire. Sir, मैं कह रहा हूँ इन criminals को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा transfer कहीं भी करवा दीजिए, मैं इनके साथ cricket खेलूंगा। Yes, I will play cricket with them. तब से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, तू है तो एक पुलिस वाला ही। चुप। कौन है ये आखिर पुलिस वाला? तुम्हारे इलेक्शन के लिए तुम्हें पुलिस चाहिए, तुम्हारे इलेक्शन में होने के बाद पोजिशन में पुलिस चाहिए, और तुम्हारे हार जाने के बाद भी तुम्हें पुलिस चाहिए। भांजे को बाहर जाना है तो पुलिस चाहिए, बीवी को ब्यूटी पार्लर जाना था पुलिस चाहिए, बेटे को रेस को जाना था पुलिस चाहिए, और आखिर में तुम्हारे रखेल भाग जाती तो भी तुम्हें यही पुलिस चाहिए। यही पुलिस, यही पुलिस तुम्हारी मदद करती है। अग्नि, I'm going to dismiss you. Who the hell are you to dismiss me? I'm myself resigning this job. Yes, I'm resigning. But I won't leave these criminals. तुम सबकी असलियत सबके सामने लाकर इनकी जिंदगी की असलियत को एक एक को धो धो के सुखाऊंगा। Yes.
मुझे नहीं लगता इसके दिमाग में हमारी कोई भी बात घुसने वाली है। शूट हिम। अरे शूट करने के बजाय प्रे क्यों कर रहा है? इमरान खान, यू शूट हिम। ये क्या कर रहा है? अंजनेयर, तुम शूट करो। रुक क्यों गए? शूट करो ना, शूट करो। हवा में हवा हूं मैं, धरती में धरती हूं मैं पानी हूं। मैं पुलिस वाले कीट की तरह अब सबको याद आऊंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। वहां क्या शूट कर रहा है? यहाँ शूट कर, यहाँ शूट कर। मेरा भारत महान, I love India। शूट करो, शूट करो। भैया, वंदे मातरम। भैया, परमवीर चक्रवाड़ रह गया था, इतने अच्छे सपने को बर्बाद कर दिया तुमने। आपके तो फेस पर कोई पत्थर चक्र मारेगा। वैसे हुआ क्या बताइए? मुझे अकेले को मार डाला। तलवार से मारा या फिर मशीन गन चलाई? भैया सपने में तो नहीं, पर सच में ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे भैया? सपना था इसलिए वो मुझे मार सकते थे। वही अगर सोचा होता तो नोबडी कैन कैच अग्नि, नोबडी कैन शूट अग्नि, बिकॉज अग्नि इज फायर। फायर या फिर पंक्चर टायर है, ये सब बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भैया। माना तो बचपन से जवानों के बड़ी होगी, उस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी देशभक्ति के लिए कुछ भी कहोगे तो उसकी परवाह होगी मुझे। अरे नहीं भैया, इसने अनजाने में कह दिया। ओके, तुम अपने होने वाले पति के साथ भाग जाओगी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी देशभक्ति के लिए कुछ भी कहोगी तो मेरा जी जल जाएगा, समझी तुम? आपका ड्रामा बहुत हो गया भैया, पर दादी क्या नहीं, कुछ नहीं हो सकता। चलो, दादी, आफ्टर ऑल दादी जो बॉम्ब से नहीं डरता, उस अग्नि के लिए दादी एक खेलने वाला बॉम्ब भी है सिर्फ। चले गए क्या? हमारा वंश इज्जतदार वंश है, हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के बारे में आपको ही पता है। हमारे बेटों के लिए लाए गए संबंध अच्छे होने चाहिए। साक्षात लक्ष्मी जैसी कन्या का रिश्ता लेकर आया हूँ, इनकी जोड़ी अति सुंदर लगेगी। पर्सनालिटी ठीक है पर कैरेक्टर कैसा है उनका? आप भी मैडम, दोनों लड़के को देखकर दंग रह जाएंगी। बड़ी बेटी अपनी बैग में चाकू और चेन लेकर घूमती है, चोर बदमाश उससे डरते हैं, और छोटी वाली लड़की हाथ की सफाई में माहिर है, खाली हाथ बाजार जाती है और सुपरमार्केट साथ में लाती है। शाबाश। तो उनके पिता किस टाइप के हैं? बिल्कुल आपकी तरह हैं। आपकी तरह दोनों बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी है उन्होंने। तो जल्दी से लड़कियों से मिलवाइए ना। आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आपके बेटे ये हैं क्या? हाँ यही है मेरे बेटे। मतलब आप ही हमारे होने वाले ससुर हैं? ये संबंध नहीं हो सकता, कैंसल। अरे ये बात तुम नहीं, मैं कहूंगा। इसलिए आपसे पहले हमने कह दिया। अरे क्या जी, आप लोग पहले से परिचित हैं क्या? तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। ये तो वही है। बाप रे, मेरे हेल्थ पोलियो। तुम हमें बेहोश करके हमारे पैसे चुराए थे। मान संभाल कर बात कीजिए, आपके बेटों ने पहले मेरे पापा से पैसे चुराए थे। ओए, पहले हमारे घर से चुराए हुए टीवी वीसीआर वापस दे दो। चुराया हुआ सामान वापस देने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। उस दिनों के जैसा किसी के पीछे जाना हमारे वंश में नहीं है। क्या झगड़ा कर रहे हो? ये लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद आई हैं। हाँ बेटा, मुझे भी। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? हमारे घर में चोरी करने वाली लड़की के गले में मंगलसूत्र में किस हाथ से बांधो? राइट हैंड से बांधो। हाँ हाँ, बहू ऐसी ही होनी चाहिए। कितना अच्छा काम करती हैं, क्या शिक्षा है। मुझे और मेरे बेटों को ही उल्लू बनाया, मतलब हैट्स ऑफ। ये लड़के कम है क्या? चोर पुलिस की तरह आके मुझे उल्लू बनाकर मुझसे लाख रुपए लेकर गायब हो गए। इनकी समझदारी पर मुझे फक्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। इवन आई टू प्राउड ऑफ माय डॉटर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से थाली बदली कीजिए। तुम मुझे सच में पसंद करते हो? अरे बहुत पसंद करता हूँ। देखो, तुमने मुझे जो शादी का पोलियो ड्रॉप्स दिया था वो जबरदस्त काम कर रहा है, मेरा पूरा बदन झूम रहा है। I'm sorry. I'm happy. मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त तोहफा लेकर आया हूँ। कहाँ है? ये देखो। वाओ, कहाँ से चुराया? एयर गोल्ड शॉप से। मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया। दिखाओ क्या है ये, तुमने कहाँ से चुराया? इससे पहले रिश्ता लेकर जब तुम्हारे पापा आए थे ना, तब उनसे चुराया। अरे बापरे, ठीक उसी समय में मैंने तुम्हारी बहन के गले से नेकलेस चुरा के अपनी मम्मी को दिया था। मेड फॉर ईच अदर, इसे ही कहते हैं। बिल्कुल सही। हम दोनों की शादी के बाद हमारा जो बेटा होगा वो बचपन में ही हमारे लिए ऐसे ऐसे तोहफे लाएगा कि हम देखते रह जाएंगे। भैया, वो हमें ना 10,000 रुपए चाहिए।
10,000? क्यों? आने वाले शुक्रवार को आपके जीजू का जन्मदिन है तो उन्हें एक गिफ्ट देना है। देखो सिंसियरली महीने भर की तनख्वाह पर जीने वाली तुम दोनों बहनों को मैं चाहे तो 50-50 रुपए दे सकता हूँ। 50 रुपए? 50 में क्या मिलेगा भैया? कोई हैंडकरचीफ या अंडरवियर खरीद के दे देना, इससे ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है? बस खरीदा उसे प्रेम से तुम। अगर आज माँ पापा जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर दादी यहाँ होती तो किसी तरह दे ही देती। नो नो टीयर्स, तुम्हारे लिए उनकी प्रेजेंटेशन जरूरी है, मेरे लिए नेशन जरूरी है। नो सेंटिमेंट्स, दिल को ग्रेनेड बनाना पड़ता है। यस, दिल को ग्रेनेड बनाना पड़ता है। ओ, ये क्या सर, पढ़ने से पहले ही आप रोने लगे, कोई गुजर गया क्या? अब... क्या हुआ भैया, कोई बैड न्यूज है क्या? आपको सस्पेंड कर दिया क्या? किसी ने मर्डर की धमकी? स्टॉप, नहीं, तुम ऐसे एक के बाद एक बुरी खबर एक्सपेक्ट मत करो। दादी आ रही है। दादी आ रही है? तुम्हें क्या चाहिए वो सरकार से मांग करेंगे। इज्जत से सरेंडर कर दो, तुम्हें कोई भी सजा ना मिले इसका ख्याल रखेंगे। सरेंडर योरसेल्फ। हे मिस्टर, क्या हुआ? कुछ टेररिस्ट पेट्रोल पंप में घुस गए सर। इस आइसक्रीम के खत्म होने से पहले तुम्हें निर्णय लेना होगा। मर्डर केस में फंसे मेरे भाई को तुम्हें रिहा करना ही होगा। 10 लाख अमेरिकन डॉलर्स और पाकिस्तान जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पर ब्लास्ट कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो, कूल होके बात करते हैं, सरेंडर हो जाओ। कूल होके बात करूँ, रिश्ते की बात करना है क्या मुझे? चुप हो जा। मैं कौन हूँ पता है क्या? अग्नि, फायर, nobody can stand before अग्नि। हिम्मत है तो पास आ, उड़ा के रख दूंगा। वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ओरिजिनल है। ओ, इधर देना। हम अमर नहीं होते, अपना शरीर भी नहीं होता, ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। इस अग्नि को फेंक की तरह देख और खुद को हमारे हवाले कर दे। सरकार से बात करके सजा कम करवा देंगे। उसके अलावा पंप में कोई और है क्या? नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। दादी, ये क्या कर दिया दादी? क्या कर दिया, क्या बोल रहा है? जो करना चाहिए था वही किया। ऐसे बदमाशों को छोड़ना नहीं चाहिए। आतंक फैलाएंगे तो क्या बैठ के देखेंगे? मार के फेंक देना चाहिए। वैसे भी कानून अपने हाथ में लेना गलत है। तो ये ले, तू पकड़ अपने हाथ में। देख, मैं तेरी बुजुर्ग को इसलिए बात कह रही हूँ, आज तू उसकी बात मान के उसे छोड़ देता ना, तो कल वो तेरी बीवी को किडनैप करके इस शहर को अपने नाम करने के लिए कह देता, तू कर देता। तुम जैसे को समझाना बहुत जरूरी है। कांटे को हमेशा कांटे से ही निकाला जाता है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे अरेस्ट कर लो। अग्नि, अरेस्ट कर। दादी ने जो किया वो न्याय है, वो निर्दोष है। उन्हें अरेस्ट करेंगे तो हम आमरण अनशन करेंगे। ओके ओके। दादी जी जिंदाबाद। दादी जी जिंदाबाद। दादी जी जिंदाबाद। स्टॉप, एक कदम भी आगे बढ़ा तो पैर तोड़ दूंगा। ये क्या भैया, 6 सालों के बाद दादी यहाँ आ रही है। क्या हुआ दादी, मायूस क्यों लग रही हो? ये मायूस लग रही है क्या? आ गई फिर से मेरे सर पे तांडव करने के लिए। ये क्या भैया, इन्होंने ऐसा क्या किया है जो अब इनके पीछे पड़ गए हैं? क्या किया वो उन्हीं से पूछो। क्या किया मैंने बताना, क्या पूछना चाहता तू बोल? इतने बड़े पेट्रोल पंप को उड़ा दिया और पूछ रही हो क्या आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? दुनिया में अल्सर होता है, कैंसर होता है, शुगर होती है, हार्ट अटैक होता है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं होता। ये तू क्या बात कर रहा है, आज तेरे दादाजी जिंदा होते तो मुझसे ऐसे बात नहीं करते। मैं तो उनके साथ ही जीना चाहती थी लेकिन वो चले गए। वो चाहते थे तेरी शादी हो जाए, वो अपनी बहू चाहते थे, वो तेरी शादी में अक्षत डालना चाहते थे। तेरी शादी हो जाती तो मैं भी चैन से मर जाती। शादी में तुम मर जाती और मेरी सुहागरात रुक जाती, यही प्लान था? अरे रे 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 रे, अपनी दादी से ऐसे बात करते हैं क्या? क्या बात करनी चाहिए क्या बात नहीं करनी चाहिए इसे बिल्कुल भी नहीं पता। वैसे भी मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बुद्धि फिर भी दादा जैसी ही। तो फिर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ ना तीर्थ यात्रा पर। अरे इस उम्र में अब कहाँ जाऊंगी मैं, अब तो मैं सारी जिंदगी यहीं रहने वाली हूँ। वैसे भी अब इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ की मैंने तीर्थ यात्रा ना की हो। तो फिर पाकिस्तान जाके मक्का मस्जिद देख के आओ। ओए, तुझे अक्कल है कि नहीं है? असल में मक्का पाकिस्तान में नहीं है, मस्कत के बगल में है। ओ अच्छा, अब आप ही मुझे अक्कल सिखाएंगी? हाँ, क्या कहा तूने मुझे? मेरी वजह से तू इतना बड़ा हुआ है, बात करता है और आज मुझे ही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। भैया ये सब, दादी कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ ही रहेंगी। बिल्कुल, चलो अंदर दादी। हमेशा ऐसा ही करता है, इतना बड़ा हो गया पता नहीं इसे अकल कब आएगी। तुम्हारे लिए ऐसी हरकत करना कोई नई बात नहीं है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, पता है तुम ऐसा ही बोलोगी। रशिया की जनता से अमेरिका की जनता को निकाल के माधुरी दीक्षित की उम्र मिलाएंगे तो उम्र कितनी होगी नारायण? हाँ, माधुरी दीक्षित की उम्र कितनी है? तकरीबन 70 साल की होगी। मतलब
अरे उसके दो बेटे हैं ना। कौन सी माधुरी दीक्षित की बात कर रहा है? अरे मैं उस बुढ़िया की बात कर रहा हूँ जो रोज दूध देने आती है। बुढ़िया से तेरा चक्कर है क्या? अरे संभाल के। क्या मामा जी, आप सुबह सुबह इतना परेशान क्यों हैं? अरे वो माधुरी दीक्षित की उम्र पता नहीं चल पा रही है। माधुरी दीक्षित की उम्र आपको पता नहीं है? सिंपल, नागार्जुन की उम्र में से तब्बू की उम्र निकाल दीजिए, उसे कमला हसन के एज से मिला दीजिए, चिरंजीवी की उम्र से गुणा करके महमूद की उम्र से घटाएंगे तो जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। वेरी सिंपल। इससे अच्छा तो पहले वाला ही सिंपल लग रहा था। अब मेरा फोन है। हाय बेबी। हेलो डार्लिंग। डैड। हेलो डैड, हाउ आर यू डैड? अब मॉर्निंग जॉगिंग, दोपहर में चेकिंग, इवनिंग रनिंग, सब खत्म हो गया डैड। वेरी गुड। देखो कल तुम दोनों को वाइजैग जाना होगा। वाइजैग किस लिए डैड? कल ऑल इंडिया ऑटोमोबाइल कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए तुम्हें अपनी कंपनी की तरफ से अटेंड होना होगा, समझ गए ना? ओके डैड। हाँ, वहाँ पर मिस्टर रॉय नाम का आदमी सब इंतजाम देख लेगा। रॉय? रॉय, ओके डैड। वही तुम्हें रिसीव भी करेगा और सलाह भी देगा, वो जैसा कहेगा वैसा करना। ओके ओके डैड, जरूर जाएंगे डैड। बाय डैड। लकी, कल सुबह हम वाइजैग जा रहे हैं, जरा इसे पकड़ना। सॉरी, मार लिया क्या? वो छोटा था इसलिए पहुंच नहीं पाया। ठीक है, फॉरनर से डॉलर्स होंगे, मार ले क्या? उससे क्या होगा यार, यहाँ बदलो वहाँ बदलो, बहुत रूल्स होते हैं। ठीक है ठीक है, करते हैं। चलो, हमें इंग्लिश नहीं आती ना? तुझे नहीं आती होगी लेकिन मुझे आती है। चला जा। गोदावरी एक्सप्रेस नंबर 42, एक्सपेक्टेड अराइवल स्टेशन नंबर 2 इज डिलेड बाय 30 मिनट्स, एक्सपेक्टेड इन 90 मिनट्स ऑन स्टेशन नंबर 4। आई नेम राम, ही नेम लक्ष्मण। हेलो, नाइस मीट यू। गो टू हेल। नो, टू वाइजैग। ए, उसे इंग्लिश नहीं आती रे। उन्होंने कहा था कोई मिस्टर रॉय आएंगे। Nobody has come. Come, let's look around. Yeah. राम एंड लक्ष्मण, बेटा, हेलो। आप कौन है? हनुमान है क्या? नहीं बेटा, पहले ये पकड़ो फिर बताता हूँ। I am manager Roy. Roy हो या boy हो, हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। हाँ, वो नहीं बेटा, डैडी ने फोन किया था, हमारे होटल जाकर हमें टेंडर की बात करनी है। हमारे डैडी को तुम जानते हो? डैडी को कैसे नहीं जानूंगा, अमेरिका में रह के आंध्रा के टेंडर्स को कामयाब बनाने वाले वही तो मास्टरमाइंड है। हमारे डैडी अमेरिका में? तो फिर हम दोनों को राम एंड लक्ष्मण फ्रॉम हैदराबाद। नाम सही है, पता गलत है? सर ने कहा था आप बहुत कैजुअल रहते हैं, आपकी बातों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, आपका जो मनाता है कहते हैं, डैडी ने बताया था मुझे। ये पक्का मेंटल है। हम लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर हैं। बेटा कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है, 10 करोड़ की डील है, चलो चलते हैं। 10 करोड़, ये ऐसी बात कर रहा है तो चलते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना हाथ मार सकते हैं। यही हमारी गाड़ी? हाँ, आ जाओ। ड्राइवर, इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, बस गाड़ी चलाओ। चलो सुनो, हम लोग सीधे होटल चलते हैं। हेलो मैनेजर मित्रा। नमस्ते, दिस इज मिस्टर राम एंड मिस्टर लक्ष्मण। वेलकम टू वेजन, ग्लैड टू मीट यू। नाइस टू यू मीट टू। नाइस टू मीट यू। हां, दोनों से हाथ मिलाया तो अंगूठी चली गई सर। ये क्या कह रहा है तू? सही तो कौन है पता भी है? They both are born with the silver spoon. तू खुद बाथरूम में भूल गया होगा, घर जाके चेक करना। राव एंड रॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे हैं। इनका ख्याल रखना, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। बेटा तुम लोग हैप्पीली रिफ्रेश हो जाओ, मैं एक घंटे में आता हूँ, कॉन्फ्रेंस पर जाना है। ओके, वेलकम सर, आइए। ये क्या कर रहे हो? ऐसे जंप नहीं करते, देखो कैसे जंप करते, ऐसे जंप करते, ऐसे। एक्सक्यूज मी सर, एसी चालू करूं क्या? हाँ, डीसी भी शुरू कर दे, एसी डीसी खेलेंगे। आप अच्छे कार्टून जोक्स मारते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वैसे इतना बड़ा होटल है, इतना अच्छा रूम है, इसका भाड़ा कौन भरेगा भाई? राहुल इंडस्ट्रीज वाले सर। राहुल इंडस्ट्रीज? राहुल इंडस्ट्रीज वालों को मेरा थैंक्स कहना। बिल्कुल कहूंगा सर। पूरे कपड़े गंदे हो गए। रूम खाली नहीं है सर, दोनों रूम ऑक्यूपाइड है। What the hell do you mean occupied? मेरे नाम के रूम को किसी और को कैसे दे दिया? मैं अभी के अभी मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, बुलाओ उसे। मैनेजर कहाँ है? मैनेजर यहाँ पे हूँ सर। किस लिए? आपको किसी चीज की जरूरत? अरे जरूरत होगी तो बुला लूंगा, नीचे जाकर अपना काम करो। थैंक यू सर, सॉरी सर, चलता हूँ सर। थैंक यू सर, सॉरी सर, चलता हूँ सर। बिल्कुल पागल है, एक और अंगूठी जाएगी इसीलिए डरता है। आता हूँ आता हूँ। हेलो बेटा, मैं राय बोल रहा हूँ, सारा इंतजाम ठीक है ना? हाँ इंतजाम तो सब बराबर है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? जो पैसा निकालने के लिए कार्ड होता है वो कौन सा कार्ड? क्रेडिट कार्ड। हाँ, वो कार्ड हम भूल कर आ गए हैं। वो क्या है कि हमें कुछ 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? अभी 10 मिनट में भिजवाता हूँ। ओके, 10 मिनट में 50,000? सर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप चाहे तो मैं आपको दूसरा रूम दे सकता हूँ। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। ये रूम का क्या चक्कर है मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज कम सर। कम लकी,
मैनेजर मित्रा। हेलो सर, राज जी ने फोन किया था, ये 50,000 आपको देने के लिए कहा था। 10 मिनट में वो आकर आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके जाएंगे ऐसा कहा है। थैंक यू सर। सॉरी सर, चलता हूँ सर। थैंक यू सर। सॉरी सर, चलता हूँ सर। भैया, अगर शाम तक हम यहाँ रहेंगे तो उस राय से और पैसे ऐड सकते हैं और उस मैनेजर की अंगूठी भी मार सकते हैं। नहीं, अगर शाम तक ये लोग हमें पहचान गए ना तो समझ लो कि हम लोग पकड़े जाएंगे। जो मिला है उसी में एडजस्ट करते हैं। हमारे होने वाले पति पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। भूख लगी है। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। एवरीथिंग ओके? जब से फ्लाइट से उतरे हैं कुछ भी ओके नहीं है। वैसे आप कौन है? सर मैं हूँ मिस्टर रॉय। राय हो क्या? मैं सेवक हूँ आपकी कंपनी का, आपके डैड ने बताया होगा। यू आर मिस्टर राय, एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आए? What is wrong with you? सुना है मेरे नाम से यहाँ पर कोई और? अरे नहीं सर, मैंने खुद आप दोनों को एयरपोर्ट से रिसीव किया और फिर आप दोनों को होटल लेके गया, अपने मैनेजर के पास छोड़ कर आया। Who is this manager? इससे पहले वो हमें मिला ही नहीं। सर आप मजाक कर रहे हैं। What? देखिए सर, चाहे आप मेरे साथ मजाक कर लीजिए लेकिन उन 50,000 रुपीज के साथ मजाक मत कीजिएगा वरना मेरी बैंड बच जाएगी। 50,000? आपने मुझे दिया? अरे भाई मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, उन 50,000 रुपीज को भूलिए मत सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? मैं रास्ते पर आ जाऊंगा, आपके पैर पकड़ता हूँ। ये तो समझाइए, मेरे पैसे वापस कर दे। मैनेजर को लेकर आप रूम पर आइए, वहीं पे बात करते हैं। ओके रिलैक्स, चलो रूम में चलते हैं। क्या हमारे होने वाले पतियों ने लगता है किसी को 50,000 का चूना लगा दिया। ऐसा करते हैं, हम भी इन्हें फॉलो करते हैं, सब पता चल जाएगा। कम इन। Who is this? कौन है आप? ये कौन है? अच्छा, ये रंभा है और मैं राम्या कृष्णा। यहाँ पे नागार्जुन वेंकटेश कोई नहीं है। You can leave this room. क्यों हस्बैंड जी, बड़ी इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। हस्बैंड हैदराबाद में कंचन माला और यहाँ पर नया सटा भैया। कंचन माला? वो कौन है? मेरी भाभी। क्या हस्बैंड, ये तुम्हारी भाभी है? हस्बैंड? वैसे तुम बिफोर मंगलसूत्र बाहर वाली, आफ्टर मंगलसूत्र घर वाली। अच्छा वो ठीक है। वो राय या क्या है, उसके पास से 50,000 मार लिया ना तुमने? What the hell are you talking? मार लिया? अरे हम आपको चोर लग रहे हैं क्या? अब हमारे प्रोफेशन के बारे में ऐसा गलत बोलोगे तो कैसे चलेगा? प्लीज गो, प्लीज स्टॉप दिस। ऐसे नजदीक बताओ, मुझे घुटन हो रही, प्लीज। और किस करते वक्त घुटन नहीं हुई थी क्या? ओ नो भैया, मामला बहुत नजदीकी हो गया क्या? वैसे भी शादी फिक्स होने के बाद अगर कुछ करेंगे तो कोई गलत नहीं है। शादी शादी? अरे आप कौन है? कौन से मुहूर्त में हम यहाँ पर आए थे? ऐसा लग रहा है हम पागल हो गए और हमें मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये कॉन्फ्रेंस, और ये डील भी नहीं चाहिए। लकी, जो भी फ्लाइट मिले उसे पकड़ के हम हैदराबाद जाएंगे। सामान? अरे हमारा मान जा रहा है और तुझे सामान की पड़ी है। चल यहाँ से। चल यार। कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर, कोई साफ सफाई नहीं करता। घर में दो लड़कियां हैं फिर भी ये हाल है। इस पे थोड़ी इमली लगा के इसे साफ कर देना चाहिए था ना? तोम तिकते तिकते ता तोम 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 तिकते तिकते ता 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 तोम 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 तिकते तिकते तोम 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 तिकते तिकते ता तक तक तोम तोम तिकते तिकते तोम 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 तिकते 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 तोम 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 तिकते तिकते ता थई ता थई ता थई थई ता ता ता। रुक जा। क्या हुआ दादी जी? क्या हुआ पूछ रहा है तू? तुझे शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ पता भी है? कम से कम मुद्रा तो सही बना ले। आपको पता है क्या? पता है तो करके दिखाइए ना। देखना चाहता है तो पीछे बैठ और देख, मैं बताती हूँ। सागर संगम की पूरी भंगिमाएं दिखाऊंगी आज तुझे। कथक? हाँ, अब समझाना मास्टर। अगर तुझसे यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी बच्चियों को कुछ भी गलत सलत सिखा के यहाँ से चला जाएगा। ठीक से इन दोनों को पूरी मुद्राएं सिखाना तू। हाँ। अरे अग्नि, क्यों रे इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? अब तक ड्यूटी पे नहीं गया क्या? जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी बंदूक भूल गया, जरा उसे लेके आओ। बंदूक थी क्या? बहुत बदबू मार रही थी इसलिए उसे ले जाके मैंने अच्छे से इमली और सर्फ लगा के चकाचक कर डाला और उसको धो दिया है। अब उसको सूखने के लिए रख दिया। तुमने बंदूक को धो डाला? मेरी नौकरी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो? ये रोग मेरे पति को ही होना था, मुझे होता तो अच्छा होता। डॉक्टर, मैं जिंदा बचूंगा ना? डोंट वरी, तुम अभी बहुत साल जियोगे। डॉक्टर, मेरी आंखों के काजल को, श्रृंगार के सिंदूर को, इस मंगल सूत्र को किसी तरह बचा लीजिए। उन तीनों को कोई खतरा नहीं है, पर इनके बारे में डाउट है। तुम दोनों मेरे साथ आओ। डॉक्टर, सुनिए डॉक्टर, आप जो कहने जा रहे हैं मुझे पता है। पता है क्या? कैसे? पेशेंट को पता ना चले इसलिए अपने पास बुला के डॉक्टर क्या कहते हैं, बीमारी बहुत बढ़ गई, कब तक जिएंगे पता नहीं, यही ना? यहाँ पर डॉक्टर मैं हूँ, मुझे बोले दो। सॉरी डॉक्टर, बोलिए। हाँ, इससे पहले जो आपने कहा वो कॉमेडी है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सीरियस है। रोग बहुत बढ़ गया है और कितने दिन जिएंगे पता डॉक्टर, नहीं। ऐसा मत कहिए, कुछ और कहिए। दूसरी बात बोलूँ? हाँ। क्या तुम्हारे डैडी ऑलरेडी निकल लिए हैं? डॉक्टर, फिर नहीं तो क्या बेवकूफ कहेंगे? डॉक्टर, ससुर जी को कैसे भी जीना होगा,
कल हमारे बच्चों को उनके हवाले करके सेकंड शो में जाने का नसीब हमें मिलने दीजिए ना। सॉरी, आपके ससुर जी जाने वाले हैं। ससुर जी अगर चले गए तो सासू कैसे जिंदा रहेंगी? खाना कौन बनाएगा? सब्जी कौन लेकर आएगा? कपड़े कौन धुलवाएगा? कौन करेगा सब काम? उनको बचाना है तो बहुत खर्चा होगा। पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हमारे हाथ में भले ही पैसे नहीं है लेकिन हमारा कलेजा बहुत बड़ा है। बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। कितना कितना चाहिए बोलिए। 2 लाख होगा। इन्हें जल्दी से हैदराबाद ले जाना होगा। अरे बाप रे, 2 लाख? अब कहाँ चोरी करोगे रे? इस शहर में तुमको सब पहचाने लगे हैं। वैजागी एक शहर है क्या? हम हैदराबाद जाएंगे। अरे नहीं बेटा, 2 लाख के लिए तुम लोग हैदराबाद जाओगे? पैसों की बात नहीं है माँ, हैदराबाद में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। माँ हमें आशीर्वाद दो। हेलो फ्रेंड्स, ये क्या सूट पहनकर इनकम टैक्स की तरह रेड पर आए हो? एक फोन किया होता तो मैं खुद ही सामने हाजिर हो जाता। कहानी मत बता, उस दिन बार में मुझे देखने टेबल के नीचे घुस गए थे। क्या है, थोड़ा सा ज्यादा पी ली इसलिए मेरा पैर फिसल गया। उस दिन क्लब में मुझे देखकर टॉयलेट में घुस गए थे आप। उस दिन मैंने खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया था इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई थी। पेट में अभी तक गुड़गुड़ हो रही है। गैस की दवाई है क्या तुम्हारे पास? सुबह मुझे रेस कोर्स में देखकर उल्टे पैर भाग गया। डॉक्टर ने मुझे सीरियसली बोला है, जॉगिंग नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं भाग नहीं रहा था, जॉगिंग कर रहा था। ऐसे कितने दिन बचेगा? हमारे पैसे कब देगा तू? मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी एक बार बस 3 नंबर निकल आए। तुम्हारी बातें सुनने का हमें धीरज नहीं है। 6 महीनों से सोच सोच के मेरे सारे बाल उड़ गए हैं। हम सब एक डिसीजन पर आए हैं। क्यों रे, उधार माफ करके सब कोई दोस्त हो जाओगे क्या? हाँ, उधार के बदले तुम्हें ही माफ करने का डिसाइड कर लिया। क्या करोगे, जान से मारोगे? तुम मार दो, मुसीबत ही टल जाएगी। तुम्हें मार के हम क्या करेंगे? तुम मरने के बाद किस काम के रहोगे? इसलिए तुम्हारे केस को अजहर भाई को दे दिया है। अजहर भाई? नहीं नहीं नहीं, प्लीज माफ कर दो। नहीं कहोगे तो आप कैसे? ऑलरेडी उसी कंप्यूटर में तुम्हारा बायोडाटा चढ़ गया है। अब तुम्हें वो सबक सिखाएंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चलते हैं। माता जी, माँ जी, धर्म करो धर्म करो। आंखों का अंधा हूँ मैं, टीवी में क्रिकेट, टीवी में मिडनाइट मसाला देख नहीं पाता हूँ। इतना बदकिस्मत हूँ मैं। 100 रुपए दे दो माँ जी, 100 रुपए। बॉस देख नहीं रहे हैं? अब तक मंदिर के पुजारी को मार दिया होगा क्या? भैया वहाँ देखे, मॉडर करने के लिए आया था, सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रहा है। बाप रे, आंखों से अंधा हूँ, अपनी आंखों का इलाज करवाऊंगा। थोड़ा ज्यादा दान करो, दान करो। मैं नर्सिंग हूँ बॉस। तुम नर्सिंग होगे तो मुझे उससे क्या, दारा सिंह होगे तो भी मुझे उससे क्या। डब्बे में पैसा डालो और कल्टी हो जाओ। अरे भाई, हम यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, इस मंदिर के पुजारी का सिर फोड़कर उसे मारने आए हैं। चुप। क्या कहा, पुजारी को मारोगे? पुजारी हमारा भगवान जैसा है। बॉस ये क्या हो गया है आपको? आप हमारे बॉस है, आपके बैक पॉकेट में रिवॉल्वर भी है। मेरे बैक पॉकेट में रिवॉल्वर है? बॉस अब तो मान जाओ। भाई ये गन है क्या? मैं नहीं मानूंगा। सुबह बड़ा वाला भाई आया था, उसके पास दान करने के लिए कुछ नहीं था इसलिए दान में ये देकर चला अरे गया। बाप रे, अरे यार। मैं सहन और नहीं कर सकता। अरे छोटे भाई, बॉस को बुलाओ। छोटे बॉस, ऐसा लग रहा है मेरे इर्द गिर्द कोई घूम रहा है। बटला है क्या? अब जोर से देगा। दीर्घायुष्मान भव, मंदिर में टकला करने वाले हो क्या भाई तुम? स्पॉट ओके। शॉट ओके, पानी प्लीज। छोटे, वह पुजारी गया क्या? गया, घर पे। खामोश। कहाँ गया बे? हाँ, घर गया क्या? तो फिर तुम क्या कर रहे हो बे? मंदिर के पास भीख मांग रहे हो क्या? कम बकल लोग मिले हैं मुझे। बिल्कुल भाई। जा जा जा। बॉस डेन पे चलते हैं, कस्टमर्स आर वेटिंग। एक काम नहीं होता। बॉस, रोमांटिक हीरो चिदंबरम आपसे मिलने आए हैं। अरे चिदंबरम भाई। हेलो अजय भाई। क्या चिदंबरम भाई, 5 सालों से फ्रेंडशिप है अपनी, तब से ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम एक बार तो मिल ले तुमसे। जब देखो बदलते हुए ट्रैक की तरह दूसरे बगल वाले प्लेटफॉर्म पर चले जाते हो तुम। तो बिल्कुल टेंशन मत लो ब्रदर, असली हीरो वही होता है जो 10 फ्लॉप फिल्मों के बाद एक बड़ी हिट फिल्म दे। अच्छा वो सब ठीक है। हाँ। अपनी नई पिक्चर कौन सी रिलीज हुई है? प्रेमियो भाग जा। अरे टाइटल तो जबरदस्त है। हाँ। इंटरवल के बाद प्रेमी भाग जाते हैं क्या? ऑडियंस भाग जाएगी। हाँ। इतना गंदा है क्या? वैसे भी आजकल चिरंजीवी चल रहा है, हमारा क्या होगा? तो फिर हम लोग उसे वार्निंग दे डालते हैं पिक्चर ना करो करके। नहीं नहीं नहीं, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। इतना पावरफुल है क्या? हाँ,
अरे पावरफुल छोड़ो भाई, उसकी बहुत चलती है। चाहे लड़कियां हो, चाहे बुढ़िया हो, चाहे जवान हो, सबको उसी के लुक्स पसंद है। मेरा लुक किसी को पसंद क्या नहीं। क्या कहा भाई, लुक्स? या अजर भाई। ये कौन है बे? अरविंद स्वामी। पूरे शहर में उधारी करने वाला यही है। अच्छा 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 अच्छा, यही है क्या? क्यों बे, शराबत से पैसे उल्टी कर? उल्टी करके पैसा निकालू? मैं कोई बैंक थोड़ी ना हूँ। चाकू से काट के देखता हूँ पेट में है क्या। ऐसा मत कहो अजहर भाई, उधार चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं काम वाला लग रहा हूँ जो काम करने के लिए कह रहा है। हाँ, दोनों के फायदे का काम है, किडनैप कर लीजिए। तुझे क्या? मुझे नहीं भाई, मेरे भांजे राम और लक्ष्मण को। उन्हें किडनैप करके मुझे लोकल कॉल कीजिएगा। मैं इंटरनेशनल कॉल करके मैं जिया जी को बताऊंगा। खबर सुनते ही वो दिल पकड़ कर पैसा लिए दौड़ते चले आएंगे। प्लान तो अच्छा है, पर मेरा क्या फायदा होगा? उधार है 5 लाख का, प्लान बनाने के लिए 10 लाख, किडनैप करने के लिए 10 लाख, टोटल 25 लाख में डन करो। जबरदस्त किडनैप। मैडम प्रोग्राम स्टार्ट करिए, लोग झगड़ा कर रहे हैं। मैं ही शॉपिंग के लिए गए हैं, बस थोड़े समय में आ जाएंगे प्लीज। वो देखो, जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा औरतें उसमें खो जाएंगी और हम लोग मौका देख के उनके गले से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस अभी आते हैं। प्रोग्राम देखने आई हैं? क्यों, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, क्यों नहीं दिखाई तो दे रहा यार, संभल के। गुड इवनिंग सर, चलिए आपकी सीट फ्रंट रो में है। हमारे लिए सीट है? असल में हम कौन है आपको पता है? प्रोग्राम ही आपके लिए रखा है सर। हमारे लिए? हाँ सर। हेलो, हम आपको क्या कोई नेता नजर आ रहे हैं? भाई हम राम लक्ष्मण है। पता है सर, आप आगे बैठ जाइए। भैया सब याद आ गया? आ गया क्या? ओके, ओ आप है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप चलिए, हम आते हैं। बस चलिए चलिए। प्लीज बी सीटेड। यस यस बैठो। यस थैंक यू सर। हाय लकी। हाय लकी, वो कौन है ये बताओ? प्रोग्राम में इतनी लेट क्यों आए? टाइम पे हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भैया कैंटीन में है। वैसे हमारा डांस कैसा लगा? सुपर, रंगीला की उर्मिला की तरह था डांस। ये क्या कह रहे हो? अच्छा तुम हमारे लिए गिफ्ट लेने गए थे ना? चलो चलो जल्दी निकाल के दो, क्या गिफ्ट है? वन वे ट्रैफिक है, देना होता है लेना नहीं होता। अरे तुम्हें हो क्या गया? देखो लड़कियों, तुम कौन हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लेडीज की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम मेल को ऐसे टीज करोगी तो मैं शेक हो जाऊंगा, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी करोगे? क्या करोगे बोलो, मुझे भी बताओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। अरे बाप रे, हैदराबाद इतना फास्ट है क्या? अपने व्यवसाय में तो हमें कोई हाथ भी नहीं लगाता भैया। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक पुलिस वाले होकर ऐसी हरकत करते हो? एक सिगरेट चाहिए सर, ऐसा बोल सकते हो ना? तुम्हारी ये कोई नई आदत है क्या? ये कोई नई बात नहीं है, पैदा होने के बाद दूध की जगह सिगरेट पीकर मैं बड़ा हुआ। ओहो, तो फिर कितने सालों से सिगरेट ये सिगरेट क्या 5 मिनट हुआ जलाकर? जोक मत करो जीजू। ये कैसी बात कर रहे हो? जो भी मिलता है उसे आप जीजू बोलते हो क्या? मेरा नाम आपको कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाइजाग पुलिस हैदराबाद पुलिस के साथ मिलकर हमारा काम तमाम करने वाला है? भैया भैया, क्या बात, किसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ करने जा रही थी। टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। दिन दहाड़े एक मर्द को मेरे होते हुए क्यों आप करेंगे क्या? बड़ा गंदा पोज बना, पैर नीचे करो जीजू। फिर से जीजू? यू, यही लड़कियां मेरी रक्षा कीजिए। देखो तुम लोग मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, किसी और को देख लो। वैसे प्रोग्राम में लेट आने के लिए मुझे भी तुम्हारे साथ यही करना चाहिए। भैया आपके साथ भी? देखो पुलिस जी, ये दोनों ऐसी बात कर रही और आप खड़े खड़े हंस रहे हैं। होने वाली बीवी है, कुछ भी बोले अच्छा लगना चाहिए ना जीजू। होने वाली बीवी? सुनो, वाइजाग में हमारा इंतजार 2 लड़कियां कर रही है, हमारा रिश्ता भी तय हो गया है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। नहीं, कुछ हो गया वो तो लग ही रहा है, जिस तरह की ड्रेसेस तुमने पहन रखी और जिस तरह का डांस किया था उससे कोई भी पागल हो सकता है। ओके जीजू चलो घर चलते हैं। किसके घर चले? तुम्हारे घर। कार कहाँ तुम्हारी? होगा तब ना। ओहो, मतलब कार खरीदी नहीं? इट्स ऑल राइट, तुम्हें हमारी जीप में ड्रॉप करता हूँ। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, नो मोर जोक्स, कम ऑन फॉलो मी। कहानी में ये क्या ट्विस्ट है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलो जो भी होगा वो देखा जाए। आजा। घर जाइए, अरविंद स्वामी को कहना मैंने याद किया। अरविंद स्वामी का क्या है, मणिरत्न को कह दीजिएगा मैंने याद किया। चल गाड़ी निकाल। भैया हमारी फोटो यहाँ पे कैसे?
अरे आपके घर में आपकी फोटो नहीं होगी तो क्या फिर आमिर और सलमान की होगी? ये हमारा ही घर है क्या? हाँ? अब सच में ये हमारा खुद का ही घर है ना? अरे बाप रे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? साहब ने बड़े प्यार से ये घर बनवाया है। वो आने वाला हमारा फादर कैरेक्टर है क्या? तुम चुप रहना, मैं संभालता हूँ। हाँ, ओके। डैडी, 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 ये क्या भांजे? मुझे तुम डैडी बोल रहे हो? भांजे? मामा जी, पिताजी के बाद आप ही ने हमें संभाला है ना मामा जी। अरे आपके पिताजी जिंदा है, अमेरिका में है। हाँ, पापा अमेरिका में, ऐसा किसने कहा? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, ये घर हमारा है, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरा नौकर है, हमारे डैडी अमेरिका में है और ये मेरा भाई है। तुम ऊपर जाकर रेस्ट कर लो, ऊपर जो भी होगा उसे साफ कर देंगे। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अजर भाई बोल रहा हूँ। मैं अरविंद स्वामी बोल रहा हूँ। तू अभी भी जिंदा है क्या? तेरी ऐसी की तैसी, भूल गया क्या? किडनैप करवाने के लिए बोला था ना, वही अरविंद स्वामी। अच्छा अच्छा, तू है क्या? मुख्यमंत्री के लिए बहुत कड़क बंदोबस्त किया हुआ है, इस हफ्ते उसे किडनैप करना मुमकिन नहीं होगा। अरे बाप रे, मैंने मुख्यमंत्री को किडनैप करने के लिए नहीं बोला था यार। अरे परेशान मत कर भाई, तू मुख्यमंत्री का भांजा ही बात कर रहा है ना। ये आदमी पूरा पागल है, अपने भांजे राम लक्ष्मण को किडनैप करने को कहा था। ओ तू है क्या? अरे उन्हें किडनैप करके यहीं पर रखा हुआ है, तू पैसे लेकर आ जा। अजर भाई, तुम किसी और को किडनैप करके मुझसे पैसा मांग रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों स्वामी, अजर भाई के साथ मजाक कर रहा है क्या? आगे देख ले वो तेरे भांजे है कि नहीं। नमस्ते अजर भाई। ओ गोली बूढ़ा गौरी शंकर, कैसे हो? अच्छा तेरा 5 लाख बाकी है ना? बाकी है। ए छोटे, दे दे इसे। उसे तो 5 नहीं पर तुझे दूंगा। ए अरविंद स्वामी, क्या चल रहा है? सब ठीक है, तुमने जिसे किडनैप किया तुमने उनको देखा था क्या? अच्छा मुझ पर ही डाउट है क्या? चल। अगर ये ओरिजिनल है तो वो कौन थे? वो कौन? अरे कुछ नहीं, मैं अमेरिका फोन करके डॉलर्स मंगवाता हूँ। भैया गला दब गया। एक टाई तक तो ठीक से नहीं बांध सकता, ये पैसे वाले लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं भाई? कुछ भी हो यार, इस पैंट शर्ट और टाई में ना तू कमाल का लग रहा है। तुम भी क्या लग रहे भाई, बिल्कुल गोविंदा की तरह। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त वो असली वाले आ जाएंगे हमारी जिंदगी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे चली जाएगी, इसीलिए जो भी हमें मिलता है उन सबको लेकर निकल लेंगे। चना खाने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता है। हेलो मामा जी, आइए आइए, क्या पियेंगे आप, कॉफी टी दूध? मेरे घर में मुझे मेहमान बनाने वाले तुम हो कौन? आपका घर कैसे मामा जी, हमारा घर है। भूल गया था, ये तुम्हारा घर है। अरे ये हमारा ही घर है, आप हमारे मामा जी हैं, अग्नि हमारा साला है, हमारे पिता अमेरिका में हैं। और माँ? माँ कहाँ होगी, पापा के साथ। अच्छा? माँ मर चुकी है यार। बताओ कौन हो तुम? हार वाली फोटो को देख कर आसानी से पता लगा लिया की माँ मर चुकी है। कहाँ से आए हो तुम दोनों? तो तुम्हारा भगवान कौन है बताओ? शिव जी हैं। तो आखिरी बार उन्हें याद कर लो। किस लिए? क्योंकि जल्द ही तुम दोनों मरने वाले हो। ऊपर नहीं, जरा मेरे हाथ को देखो। हमने कौन सा पाप कर दिया, मार रहे हो मामा जी? पाप के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद कर लो। करूंगा तो मार डालोगे। जल्दी से आंखें बंद कर लो। हमें छोड़ दो मामा जी, पैसों के लिए हम लालची हो गए। पैसों के लिए भेष बदल कर मुझे धोखा देना चाहते हो? इसे करीब मत लाओ, गोली चल जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। ये ओरिजिनल गन नहीं है, ये एक डुप्लीकेट है। जितना कहोगे उतना पैसा दूंगा। तो दे दो ना, हम अभी चले जाएंगे। मैं पैसा यहाँ से जाने के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली यहाँ रहने के लिए दूंगा। अरविंद स्वामी बोलो, क्या कहा? राम लक्ष्मण को मार डालूं क्या? ओके, दोनों को मार डालूंगा। ए चल जा। क्या है मामा जी, यहाँ सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? व्हाट इज दिस, क्या है ये सब? कौन हो तुम दोनों? क्या मामा जी, ऐसे पूछने जैसे पता नहीं, हम राम लक्ष्मण। तुम दोनों राम लक्ष्मण हो तो वो दोनों बाली सुग्रीव है क्या? Who are you? ये क्या भाई साहब, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हम दोनों राम लक्ष्मण हैं। Nobody can cheat Agni, nobody can beat Agni. Tell me truth, who are you? मैं राम हूँ और ये लक्ष्मण? नहीं भाई साहब, मैं राम और ये लक्ष्मण है। लगता है हमारी ज्यादा धड़पने वाला ये कोई चोर है।
hey, 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 जुबान संभाल के बात करो। और वैसे भी हमें अपनी जायदाद चोरी करने की क्या जरूरत है? कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल अभी 5 मिनट में पता चल जाएगा। मैंने इन दोनों को बड़ा किया है, क्या मैं नहीं पहचानूंगा यही दोनों असली हैं? मामा जी ये अन्याय है। ओके, तो तुम ये कहना चाहते हो असली राम लक्ष्मण तुम? बिल्कुल सही। तो फिर ऑडिटोरियम में जीप में बैठने के बाद तुम कहां उतरे बता सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन? अरे लेकिन आपकी जीप में हम कहां बैठे थे? आपकी जीप में हम बैठे थे, हमें घर ड्रॉप करने वाले आप ही थे ना? हाँ। ओके, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम अब तक कहां घूम रहे थे बता सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन? हमें गुंडों ने किडनैप कर लिया था और हम बड़ी मुश्किल से उनसे बच कर आए। अगर तुम असली राम लक्ष्मण हो तो फिर तुम्हारे पास सेल फोन होना ही चाहिए, भूल गए ना? नहीं, हमारे फोन तो हमारे पास ही है। स्टॉप, व्हाई लग्न इज स्पीकिंग, Nobody should interfere in between. अग्नि, इंसान इंसान को धोखा दे सकता है पर जानवर को नहीं। एक बार टॉमी को बुलाओ। A man can deceive a man, but a man cannot deceive an animal. I will call Tommy. मैंने भी तो वही कहा, तुमने वही चीज इंग्लिश में कही। कहने को कोई भी कह सकता है पर करने की बात जरूरी है और अग्नि वो करता है। टॉमी, 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 कम ऑन टॉमी, कम ऑन। आज मेरी और तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। We must catch the originals and arrest the duplicates. Okay? आ जाओ, आ जाओ। लगता है हमारे टॉमी को किसी ने दवाई दे दी है। चुप रहो। अग्नि के सामने ड्रामा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अरेस्ट करना जरूरी है। चलो। मामा, प्लीज। देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भांजो जल्दी आओ, जल्दी से आके केक काटो, जल्दी आओ। बेटी तुम भी आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अग्नि, उस किताब को बगल में रख दे। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मुझे तुझसे एक जरूरी मसले पे बात करनी है। हाँ तो क्या है, बोलो ना। बताती हूँ, पर तुम कैसे सुनते हो बताओ मुझे। कान से। होशियारी मत दिखाओ, कान से सभी सुनते हैं पता है मुझे। इस वक्त तू पोता बन के सुन रहा है इंस्पेक्टर, ये बता मुझे। जब तक मेरी दादी मुझसे बोलेगी तब तक उसका पोता सुनेगा, लेकिन अगर मुझसे सूर्यकांता बात करेगी तो इंस्पेक्टर अग्नि सुनेगा। हाँ। क्या बचा है अब सुनने को? तूने असली राम लक्ष्मण को अरेस्ट करके अंदर डाल दिया बेटा। बेवजह इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। क्या है इसमें बेवजह? वो दोनों लड़के कल मेरी पोतियों से शादी करने वाले थे, मुझे सहा नहीं जा रहा इसलिए मैंने तुझे बोल दिया। अग्नि मेरी बात मान जा बेटा। जेल में जो है वही असली राम लक्ष्मण है ये साबित करने के लिए। तुम्हारे पास कोई गवाह है क्या? तुम जिस गवाह को नहीं मानते हो वो गवाह है मेरे पास। हाँ। मैं जिस गवाह को नहीं मानता हूँ वो क्या है, क्या है वो? मेरा मन गवाह है। मन गवाह है क्या? ऐसे क्या है जो तुम ये बात कर रही हो? मतलब ये कि तुम्हारे हिसाब से मैं बहुत खमकल हूँ? ये बात मुझे हर बार बोलनी पड़ेगी क्या? हाँ बोलो, tell me. तुम्हारा पोता हूँ इसलिए मुझे इतना कमजोर मत समझो। सच अग्नि की तरह होता है। I will prove it. मैं साबित करूंगा। क्या है जो तू साबित करेगा? सच को मैं साबित करूंगी। अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और कितनी बार बदलेगा रे? असल में तेरे दादाजी ने तेरा नाम क्या रखा था पता? अपल कोंडा। और उसे तो तूने बदल ही दिया है ना। दादी, रिमेम्बर, आज से तुम मेरी दादी नहीं हो और मैं तुम्हारा पोता नहीं हूँ। तुम पाकिस्तानी हो और मैं इंडियन हूँ, और हमारे बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच में आखिरी जीत मेरी होगी। जीत तेरी कैसे होगी रे? जीत तो हमेशा न्याय की होती वो है। वो न्याय है मेरी तरफ। तेरी तरफ वो न्याय नहीं है रे, वो अन्याय। अच्छा तो क्या न्याय है और क्या अन्याय, वो कल कोर्ट में पता चल क्या जाएगा। क्या है रे जब पता चल जाएगा? कोर्ट जाने से पहले ही तुमने जिन्हें अरेस्ट किया वो असली है ये साबित करके उन लड़कों से मेरी पोतियों की शादी नहीं करवाई तो मेरा नाम भी सूर्यकांता नहीं। हाँ। तुम बहुत बड़े कमीने हो मामा, बहुत बड़े कमीने। जानवरों पे भी मंत्र करने वाले कमीने हो तुम। भैया, अरे आपने तो विश्वास की भी ऐसी तैसी कर दी। कैसे कर दिया है? अरे बेवकूफो, इसमें मैंने बहुत बड़ी सेटिंग की है। अरे बाप रे, कैसी सेटिंग मामा? मैं सेटिंग करता रहता हूँ, असली वालों के बाहर आने पे वो कुछ ना कर पाए इसलिए मैंने बैंक में उनके साइन बदल दिए। फिर हम होंगे लोकल और वो होंगे विदेशी। बातें कर रहे हो मामा। मामा, मैं कितने भी पी लूं फुल सेफ, हमें झाड़ पे चढ़ा के सब हड़पने की प्लान कर रहे हो। दिल तोड़ने वाली बात कही इसने। इधर आ, निकाल निकाल। क्या निकालो?
लक्ष्मी, राम भी है, लक्ष्मी भी है, भरत भी है, शिशुपाल भी है। ये शिशुपाल कौन है मामा? डुप्लीकेट कुत्ता है क्या? हमेशा सोने के बिस्कुट खाने वाला आदमी अजहर भाई। ओ, 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 तो दोनों हमारी जान लेने वाले हैं। तो ठीक है मामा, ये पैसे देते समय उसे कह देना मैं गलती से भी ना मारे। वो क्यों मारेगा? अगर उसे पैसे मिल गए तो मैं कहूँगा तो भी नहीं मारेगा। अरे अरविंद स्वामी, मुझे लगता है तेरे सर में एक छोटा सा भी भेजा नहीं है। अरे भांजे, ये कैसी बात कह दी? नहीं तो क्या, हम चाह रहे हैं ये बात उसे पता है नहीं पता है? अगर हम स्टाइल में बाहर निकलेंगे, हम ही ओरिजिनल ऐसा सोच के हमें मार दिया तो? अरे बाप रे, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं घुसी। इस बार मैं वहां जाऊंगा तो बता दूंगा। मारने के लिए क्या? मारना नहीं है, मारना नहीं है भांजे। बॉस दिखा क्या? नहीं भाई, थिएटर वाले को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, भूल के क्या कर रहा होगा पता नहीं, ढूंढते हैं चलो। बिस्किट चिप्स चॉकलेट ले लो, बिस्किट चिप्स चॉकलेट। अरे रे रे रे, ये क्या बॉस, चिप्स बेच रहे हो क्या? तो क्या तू बेचने की सोच रहा है भाई? 25 साल से यही करते आ रहा हूँ, कंपटीशन में मत आना। बॉस हम यहाँ आए हैं थिएटर वालों को मारने के लिए। भगवान के समान ओनर को मारने की बोल रहा है? अरे ब्लैक में टिकट बिकवा के जो पैसा आता है उसमें से आधा हिस्सा देता है, मुझे देख के दया करके 10 रुपए देके अभी अभी घर गया है। चला गया क्या? हाँ। तो फिर यहाँ हमारा क्या काम है? चलो बॉस चलते हैं। तू कौन है भेजो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? मैं कोई बॉस बॉस नहीं हूँ। देख भाई, मुझे देख कर तुझे दया आ रही होगी ना, तो 4 पैकेट ज्यादा खरीद ले। ये जिंदगी में जी नहीं पाऊंगा मैं, जेब में जो बम है वो मेरे सर पे डाल दो, कम से कम मरूंगा तो सही। डालो भाई, मेरे सर पे डाल दो। ये मेरी जेब में कैसे आया? अरे बाप रे, मैं और सह नहीं पाऊंगा। अरे छोटे भाई बॉस को बुलाओ। छोटे बॉस, अरे ये पटला कौन है? अरे कौन है मैं? तू जो बात बात में मेरे पैर पड़ने का प्रोग्राम बना रखा है तूने? जू देख रहा है क्या मेरे बाल में? स्पॉट ओके। शॉट ओके, पानी प्लीज। क्या बैनर सिंह? बॉस ओनर चला गया क्या? चला गया बॉस, घर पे। हे! तुम क्या कर रहे थे? चिप्स बिस्किट बेच रहे थे क्या? चलो बॉस चलते हैं, कस्टमर वेटिंग। चलो, वो ओनर को तो। अरे चिदंबरम भाई, अजहर भाई। बापरे, क्या चिदंबरम भाई, इस जन्म में हम दोनों का मिलने का कोई फिक्स हुआ कि नहीं? डोंट वरी अजहर भाई, 100 पत्थर फेंकेंगे तो 1 पत्थर तो लगी जाएगा। ठीक है, वो जाने दे। कोई नया विषय है क्या? अरे बिल्कुल है, मेरी नई फिल्म आ रही है और उसका नाम है गधे का बच्चा। अरे, अरे, तेरे लिए करेक्ट टाइटल। अरे करेक्ट वरेक्ट छोड़ो, पहले इस पिक्चर को बैन करवाना होगा। देखो अजहर भैया, आपको ऐसा बोलना होगा पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई तो बॉम्ब गिरा देंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारी पिक्चर को बैन करने के लिए हम ही क्यों बम डाले? अरे वही है पब्लिसिटी स्टंट। ऐसे स्टंट भी होते हैं क्या पिक्चर में? या। नमस्ते अजहर भाई। यहाँ क्यों आयो? बेवजह नहीं आया हूँ, पैसों के साथ आया हूँ, ये लो इंस्टॉलमेंट। तुम्हारे भांजों को मैंने अभी तक मारा नहीं है। वही कहने के लिए आया हूँ, तुम्हें उन्हें मारने की जरूरत मारने नहीं की है। जरूरत नहीं है क्या? ठीक है। अच्छा तू पुराना कस्टमर है ना, कभी भी कोई भी काम होगा तो सीधे आ जाना, तुझे कंसेशन दूंगा। थैंक यू। विश्वास कीजिए साले साहब, हम ही असली राम लक्ष्मण। साली साहब, कौन है तुम्हारा साला? एक बार तुम्हारा साला बोल दिया ना तुम लोगों ने तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हमारी बात पे विश्वास कीजिए। अग्नि की आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। नोबडी कैन चीट अग्नि, बिकॉज अग्नि इज फायर। तुम अगर फायर हो तो मैं फायर इंजन हूँ। क्या दादी, तुम पोतियों को लेके यहाँ स्टेशन तक आ गई? राम लक्ष्मण को मेल चाहिए। मेल चाहिए? पैसेंजर और गुड्स नहीं चाहिए क्या? मेल नहीं दादी, बेल। हाँ जो भी हो, मेल हो या बेल हो, मैं तो दोनों को लेके ही जाऊंगी। बेल कोई भैंस है क्या जो पकड़ के ले जाओगी तुम? देखो दादी, तुम बेवजह इसमें अपनी नाक मत घुसाओ, उनको LBW करके अरेस्ट किया मैंने। अरे LBW नहीं भैया, NBW। Don't try to educate me. I know in and outs of English. That is NBW, non-bailable warrant. क्या रे, तू बहुत इंग्लिश में चटरपटर करा तो खुद को होशियार समझता है? उतनी इंग्लिश तो मैं भी बोल लेती हूँ। I know English. I failed third class in 3 times, so I became daddy in my 9th year. This is police station and you are my grandson. दादी, कह दिया ना, तुम और तुम्हारी बेकार इंग्लिश, इज्जत से चले जाओ यहाँ से, उनको LBW के तहत गिरफ्तार किया। तुम ऐसे LBW कहोगे तो तुम्हारी बहनों की जिंदगी का क्या होगा, जरा सोचो तो। मेरी बात सुन के इनकी शक्लों को देख के उन्हें छोड़ दो ना। प्रेम की वजह से खून के संबंधों के आगे झुकने वाला नहीं है अग्नि। बात वो नहीं है भैया, अगर दादी कह रही है तो सच ही होगा ना।
प्लीज भैया। इवन यू आर सपोर्टिंग योर ग्रैंडमदर। ओके, शराफत से कह रहा हूँ दादी, मेरे तीन कहने के अंदर अंदर तुम यहाँ से चले जाओ। क्या रे? मुझे धमकी दे रहा? नहीं जाऊंगी तो क्या कर लेगा तू? तो हमेशा के लिए मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये क्या बात कर रहा है तू? कब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए कुछ पता ही नहीं है तुझे ना? देख बेटा, मेरी पोतियाँ भी तुम्हारे साथ ही पैदा हुई है, इसलिए मैं प्रेम से बात कर रही थी। तेरे जो दिल में आए वो कर तू अब। वही तो कर रहा हूँ मैं। कल कोर्ट में इनका केस आएगा, धारा 420 प्रूव होने के बाद इन्हें 15 साल की जेल होगी। इसलिए मेरी बात मान के बंगलो वाले राम लक्ष्मण से शादी करके हनीमून के लिए कश्मीर चली जाओ। ये कैसी बात कर रहा है तू? पता है कश्मीर में क्या हाल है? वहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और तू अपनी बहनों को वहाँ भेजना चाहता है? कोई समझदार भाई अपनी बहनों को ऐसी जगह भेजेगा? नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। देखो, ये जाएंगी जरूर लेकिन कश्मीर नहीं, ऊटी, और वो भी इन राम लक्ष्मण के साथ। हाँ हाँ, हम दादी की ही बात मानेंगे। दादी की बात सौ जगह की। चलिए दादी, कल कोर्ट में पता चल जाएगा। ऐसा क्या है जो कोर्ट में पता चल जाएगा? मार दूंगी। चलिए दादी की बात 100% की लग रही है। अब दिखाता हूँ मैं अग्नि से खेलने वाला खेल। अभी थोड़ी देर में मेरी दादी यहाँ पे सब्जी खरीदने आएगी। सब्जी लेके भागने के लिए कह रहे हैं क्या? अबे सब्जी नहीं रे, करेले की तरह मेरी दादी को किडनैप कर। बुड्ढी को किडनैप करने के लिए चार लोग चाहिए क्या? यही होता है दूसरी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करना। क्या सर, आप उन्हें इतना बिल्डअप दे रहे हैं? व्हाट? टेल मी बिल्डअप? बिल्डअप नहीं है बे, वो मामूली दादी नहीं है, चाची 420 टाइप है। उसका किडनैप करके हफ्ते भर छुपा के रखना होगा। बाय द वे, मेरी दादी खाने की दीवानी है। सुबह सुबह 25 डोसा, 20 अंडे, एक हांडी लस्सी, दोपहर में मटन बिरयानी, और रात को वो उपवास है क्या सर? उपवास तेरी ऐसी की तैसी, अगर कुछ खाने को नहीं दिया तो तुम लोगों को खा जाएगी। वो देख, वो आ गई है। कैसी है बेटी? हाँ कैसा है तू? सब ठीक तो है? हाँ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। अरे जाकर छुपने के लिए कहा था, मेरे पीछे नहीं जाओ। That's right, go. ये कितने का है रे? 6 रुपए दादी। अरे धंधे की सही बात करना, मैंने एक दर्जन का भाव नहीं पूछा, एक का पूछा है। 6 रुपए? 6 रुपए दादी। ऐसा नहीं होता है बेटा। ले पहले ये पकड़, इसे अपने पास रख। 5 रुपए अपने पास रख ले, 5 रुपए रख ले, और अब ये लेती हूँ और दादी पैसे तो देती जाओ। क्यों लक्ष्मी, कैसी हो? अच्छी हूँ। पेट से हो गई क्या? हाँ हो गई, चौथा महीना। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ये। डिलीवरी यहीं पे करवा रही हो? उसे अपनी माँ के पास भेज रही हो? अच्छा वहीं पे भेज रही हो। देखो अपने बुड्ढे का ख्याल रखना, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? चलो ठीक से जाना। अरे इस धूप की तो ऐसी की तैसी, अरे इस धूप में चला नहीं जा रहा। अरे क्या करूँ, पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया रे। क्यों है ना, तेरी बात एकदम खरी होती है ना। अब देख, तेरे गेटअप में मैं करता हूँ असली कॉमेडी। दादी, तेरे भेस में आने के लिए मुझे मेरी शानदार मूंछें उड़ानी पड़ी। पर क्या करें, अपनी बहनों के भविष्य के लिए मुझे अपने दिल से दिल को ग्रेनेड करना पड़ा। ओके। बेटी, ये क्या दादी, सब्जी लेने गई थी और खाली हाथ आ गई? क्या कहूं बेटी, सब्जी लेके आ रही थी तभी रास्ते में एक बदमाश मिला और थैला छीन के भाग गया। मार ले गया? हाँ। आपके पास से चुरा लिया, मतलब उसमें कितनी हिम्मत होगी? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। यकीन करना होगा, सब कुछ यकीन करना होगा। देखो हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस बात का हमें यकीन करना होगा, और इस बात का भी कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। आप हमारी दादी है ही, इसमें यकीन क्या करना? मतलब कलयुग है कलयुग, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। खैर सुनो, रास्ते में जा रही थी तो मुझे तुम्हारे होने वाले पति मिले। ओरिजिनल या डुप्लीकेट? जेल में रहने वाले या बंगले में रहने वाले? सुनो बेटियों, बंगले में रहने वाले ही तुम्हारे ओरिजिनल पति हैं। ये क्या कह रही हैं? कल आपने कहा था कि वो डुप्लीकेट हैं। बुड्ढी हूँ ना बेटी, कभी कभी जबान फिसल ही जाती है तो मैं बातों को भूल जाती हूँ। मतलब वो ओरिजिनल सी है ना? हाँ बेटी, इतने सालों से मैं ये समझ रही थी कि तुम्हारा भाई जो बोलता है वो सब गलत होता है, लेकिन मुझे पता चला कि उसका बताया हुआ सब कुछ सच हुआ। कैसे सच हुआ? आपने कोई टेस्ट किया क्या दादी? चुप हो जाओ, तो मैं कह रही हूँ उसे सुना। बंगले में रहने वाले ओरिजिनल राम लक्ष्मण से तुम्हारी शादी होगी। कल, आज, परसों या 2 दिन बाद। हमारा एक ही डायलॉग है, दादी की बात 100% की। मेरी पोतियाँ लाडली हैं। देखो तुम्हारे भाई के आने से पहले ही तुम शादी करके सुहागरात में मना लो। दादी हमारी इतनी स्पीड है तो सोचिए उनकी कितनी होगी। देखो तुम्हारी लाइन क्लियर हो गई ना, अब तुम जरा साइड दे दो मुझे। कंचना। कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ मतलब? अरे मैं हूँ,
कहाँ पर? यहाँ फ्रिज में। फ्रिज? फ्रिज में हो? कहाँ है तू बुढ़िया? यहाँ पे हूँ बे। आ रही हूँ, रुक जा। कैसे आगे बड़ा सला आ रहा है? तुझे तो बाद में मजा चखाऊंगी, पहले ये बता मेरा किडनैप करने के लिए किसने कहा? नहीं बताएंगे तो धुलाई करके बुलवाऊंगी। क्यों बुढ़ी, ज्यादा बोल रही है क्या? ए, वो शटर बंद कर दो। अरे तू ठहर, हाँ? रुक जा, मैं खुद बंद करके आती हूँ शटर, रुक। अबे इतना नकारा है तू, चाकू फेंकना नहीं आता, क्या लड़ाई करेगा? चल देख। चुपचाप बताएगा धुलाई खाएगा? बता मेरा किडनैप करने के लिए किसने कहा? इंस्पेक्टर अग्नि जी ने करने को कहा। अच्छा। ना 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 बदन दुखता है बेटी, उम्र हो गई ना। मैं जानती हूँ ये सब देखना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो है ना तुम्हारे दादा की तरह दिखता है। कौन? चिरंजीवी? उसका नाम चिरंजीवी है क्या? अरे क्या जबरदस्त नाचता है, किसी भी फिल्म में देख लो इसको, क्या जबरदस्त डांस करता है और क्या मारता है। जब भी इसे देखती हूँ ना मुझे दादाजी की याद आती है। वैसे भैया कब आने वाले हैं? वो अब कहाँ आने वाला है बेटी, वो तो कर्नाटक के जंगलों में बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने गया है। कहाँ दादी, उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? ये कैसी बात कर रही है तू? थोड़ा छोटे बड़े का लिहाज कर, क्या अपने भाई के बारे में भी कोई ऐसे बोलता है? ये क्या कह रही है दादी, आप अचानक से बदल गई, उनकी तरफ कब से चली गई? क्यों उसकी तरफदारी नहीं कर सकती क्या? आखिर वो भी तो औलाद है मेरी, मैं और वो अलग है क्या? तू बता, हम दोनों का खून एक है, हम दोनों का फोटो एक है। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये बुड्ढी तो यहीं चली आ रही है, कहीं उन्होंने इसे छोड़ तो नहीं दिया? तू गया बेटा काम से? बेटी मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं चली सोने। शिवा शिवा वासुदेवा। अरे माँ, दादी कुछ आज अलग ही बिहेव कर रही है ना? सिर्फ बिहेव ही नहीं, वो दिख भी अलग रही है। दादी अभी तो आप अंदर गई थी, फिर बाहर कैसे आ गई? अरे मैं अंदर कब आई बेटी? सही कहा, हम तो बेवकूफ हैं। अभी अभी तो टीवी पे गाने देखकर आप अंदर गई थी। कौन सी गाने की बात कर रही है? मैं इस उम्र में गाने देखूंगी क्या? तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई कहीं? हम पागल नहीं हुए, आप हो गई हैं। एक बार एक चीज कहती हो, दूसरी बार दूसरी चीज। बंगले वाले से शादी करने के लिए कहा था ना? मैंने बंगले वाले से तुम्हें शादी करने को कहा था? आ जा मेरे पोते, मैं बताती हूँ तुझे। दादी आप आ भी गए भैया? अरे गया ही कहाँ था, जो आ गया होगा बोल रही है, ये तो यहीं पड़ा हुआ था। ये क्या बोल रही हो आप? क्यों तू क्या समझा मेरी बात का मतलब रे? मेरा मतलब था तू रहता तो कहीं और है, लेकिन तेरा दिल यहीं पे रहता है। ओ हाँ सही कहा दादी, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। ऐसे मूंछों पे ताव मत दे बेटा, कहीं निकल ना जाए। ऐसा क्यों बोल रही हो, ये कोई नकली मूंछें हैं जो निकल जाएंगी? हाँ मेरी मूंछें पैदाइशी हैं, ऐसे नहीं निकलने वाली। हटो, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट दादी। पोते तू अपनी बहनों को उल्लू बना सकता है, पर अपनी दादी को उल्लू नहीं बना सकता। अब देखता जा बेटा, चक्कर की गाड़ी गड़गड़ 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 घुमाऊंगी तो देखता जा तू। पूरी जिंदगी हम ऐसे ही पी के रिच बन के जीना है, कि किसी का पैसा किसी का, जायदाद किसी और की और मजा कोई और मार रहा है। अच्छा है, ये जायदाद पूरी हमारी हो जाएगी तो है? हमारी हो जाएगी तो ऐसा बोलना। हम अपनी लेडी फीमेल्स के साथ, हाँ। अपने मदर फादर के साथ अच्छे से जी सकते हैं। भाई
जेल में जो है वो बाहर आ गए तो हमारा ऊपर का भी जाएगा और नीचे का भैया जेल में दोनों को मार डालने तो अरे भाई हमारी जिंदगी मर्डर से कम है और पिक पॉकेटिंग से ज्यादा है भैया एक ही बार में मार डालेंगे हेलो हेलो वो अग्नि है क्या नहीं नहीं वो घर गए हैं तो फिर वहाँ कौन कौन है मैं तीन कॉन्स्टेबल्स राम और लक्ष्मण वैसे तुम कौन हेमराज हूँ कौन कौन मरने वाला है ये मैं पता कर रहा हूँ है उस दिन मुंबई में बॉम्ब फटा किसने रखा था पता है मेरे छोटे भाई ने रखा था कल चेन्नई में जो बॉम्ब फटा था वो किसने रखा मेरी बहन ने रखा और अब तुम्हारे पुलिस स्टेशन में 5 मिनट के अंदर बॉम्ब फटने वाला है किसने रखा मैंने रखा है पुलिस स्टेशन में बॉम्ब पैसे दो भाई कोई बात नहीं पैसे दो भाई अरे स्टेशन में किसी ने बॉम्ब लगा दिया चलो चलो निकलो यहां से खाने में बॉम्ब है क्या फटने दो यार एक ही बार में कहानी खत्म अब ये यहाँ क्यों आए अंदर बताओ यहाँ पर बॉम्ब है चले जाओ यहाँ से बॉम्ब है कह के डराओगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे क्या पुस्की क्यों क्यों क्या एक ही बार में तुम्हारी हत्या करके तुम्हारी पूरी जायदाद के मालिक बन जाएंगे हम क्या अन्याय है ये तुम सही नहीं कर रहे हो अन्याय है एक ही बार गलती करेंगे एक ही बार हत्या करेंगे फिर कभी नहीं करेंगे अब ए भाई अरे हत्या करने तक तो कम से कम सीधे खड़े रहे यार सीधे नो 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 यहाँ पे भैया यहाँ पे अरे सॉरी यार मैं तुझे ताला समझ के मार दिया hey, no. Don't come in, no. है वो ओए राम मैं गलती कर रहा हूँ यार बुरा मत मानना नो डोंट डू इट आर यू क्रेजी भैया अब क्या करें इनका? इन्हें हॉस्पिटल लेकर चले क्या इडियट अरे हमें एक अच्छा चांस मिला है हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा चलो यहाँ से निकलते हैं ओके दादी आप हाँ बेटा तुम्हें छुड़वाने के लिए मैं यहाँ आई थी तो इन दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली और अनजाने में इन दोनों ने तुम्हें ही छुड़वा दिया छोड़ो दादी आप तो हमारी पार्टी में है थैंक्स दादी और थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे तो पुलिस आ जाएगी अरे पता है ना मेरी बात सुन उनकी शर्ट पैंट उतार के तुम पहन लो और तुम्हारी उतार के उन्हें पहना दो पुलिस को शक भी नहीं होगा दादी आपके हिंदी सिनेमा के नॉलेज को मेरा सलाम फैंटास्टिक लेट्स गो चलो जाओ ना मामा जी आपने जो किया उसके लिए हम बहुत गुस्से में हैं मैंने क्या किया क्या किया उन्हें असली कह के हमें जेल ले जा रहे थे और आप चुप रह गए जेल में वो लोग गए ना वो मतलब कौन मामा जी जेल में तो हम गए थे ना मरने से बचने के लिए उन चोरों को वहाँ लॉकअप में बंद करके हम बड़ी मुश्किल से आए हैं इसका मतलब कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है अरे टॉमी क्वाइट अब टॉमी भोंक रहा है इसका मतलब कि असली वाले यही दोनों हैं टॉमी ये क्या हो रहा है हमारा टॉमी हमें नहीं पहचान रहा है मैं तुम्हारा मामा हूँ मैं ही नहीं पहचान पाया फिर ये तो जानवर है टॉमी तो तुम कह रहे हो कि तुम ओरिजिनल हो हा? हाँ मामा जी ठीक है तुम दोनों जाके रेस्ट करो मैं देखता हूँ लेट्स गो चल कहाँ है भाई बॉस मिनिस्टर को मारने के लिए आके कौन से कोने में खाना बना रहा होगा या बाजा बजा रहा होगा जाके पकड़ो सर गलत हो रहा है सर क्यों बे कहीं बॉस खुद को दूल्हा समझ के दुल्हन के गले में मंगलसूत्र तो नहीं बांध रहा है ना ऐसा होता तो कोई परवाह नहीं करता हालात बदतर हो गए हैं चलो देखते हैं ये शादी का खाना खाने के लिए 1 घंटे से बैठा हुआ मैं तुम कौन हो बे हम भी इसी शादी का खाना खाने के लिए आए हैं मार डालूंगा चल चल अरे खाना ये चाकू से 4 बार मेरे पेट में घुसा के मुझे मार डाल बे तुम कौन हो ये पत्तों में से एक पे भी हाथ मारा ना तो छोड़ूंगा नहीं फुल लड्डू छोड़ दिया शुगर पेशेंट होगा शायद जबरदस्त है यार छोटे भाई बहुत तू पैर पकड़ेगा तो भी नहीं दूंगा रॉन्ग शॉट बॉस डेड कान में डाल के फिर से सुनो शॉटों के पानी चलो मिनिस्टर पीएम पर अटैक अटैक नहीं मिनिस्टर पीएम जा चुके हैं चला गया क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या कचरा कुंडी के पास से खाना जमा कर रहे हो चलो फॉलो मी कहाँ जाएं बॉस और कहाँ अड्डे पे बेकार आदमी
अरे नरसिंह भाई, और चिदम्बरम को जाकर बांध दे। ओके। ये क्या? अरे मैं अजहर का जिगरी दोस्त हूँ, फेमस हीरो हूँ, मुझे पकड़ के बांध क्यों रहे हो? कस के बांधो उसे। कहीं तुम मेरे कंपटीशन में तो नहीं खड़ा होना चाहते, इसलिए मुझे बांध रहे हो? वो सिनेमा देखते तो जान ले लेते। है? अरे चिदम्बरम भाई, चिदम्बरम भाई, कितने सालों के बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है। स्विस बैंक लूटने जितनी खुशी हो रही है, मां कसम आज मेरी भी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा लग रहा है बच्चन साहब ने ऑटोग्राफ दे दिया, आज मैंने तुम्हें गले लगा ही लिया। नमस्ते सर भाई, हाय रोमांटिक हीरो। फिर से मुझसे काम पड़ गया क्या? मेरे भांजो को नहीं मारना है कहा था ना, मेरी मति मारी गई है क्या? मैंने मारने के लिए कहा गुड, फिर मैंने कैंसिल करवाया वेरी गुड, अब जो कैंसिल हुआ है उसे कैंसिल करके दोनों को टपकाना है। क्यों अजहर भाई को पागल समझा गया तूने? मर्डर कहता है, रेप कहता है, किडनैप कहता है, कैंसिल करता है, ये क्या तमाशा बना रखा है? ब्रीफ केस में 5 लाख है, इसे रख लो और दोनों को टपका दो। इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नरसिंह तुझे मार देगी, ये पक्का है। मेरे काम में इतना गड़बड़ कभी नहीं होता तो है। फिर वो दोनों आज ही मरेंगे। तो फिर ओके वहाँ पे। ऐसे ही कहते हैं अपनी कब्र खुद खोदना। खुद के खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिरना, इसी को कहते हैं ग्रेट स्केप। चलो निकलते हैं। चलो मैं भी आ रहा हूँ अब। ए, ये उनकी ही कार है, अंदर से बाहर आएंगे तो टपका देंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आराम से आ जाओ। ओ शिट, ये यहाँ पे क्यों आए हैं? भाई वो देखिए भैया, रन। कितना टाइम लगेगा? बस हो गया सर। जल्दी करना। जी सर। अरे बाप रे, उस अग्नि के चंगुल से तो बच गए, चला जा। अग्नि द फायर। फायर। यस, अग्नि द फायर, कम ऑन। आ रहा हूँ मैं, चलो। कॉटन बोल्ट। मेरा फोन। हेलो डार्लिंग, फोन कट कर। फिर घंटी बज रही है। क्यों डार्लिंग, बीच में ही कट कर दिया। नहीं कट करूंगा तो खत्म हो जाऊंगा। आइडिया है। स्टॉप। तुम रुक क्यों गए? बताता हूं सर। सर क्या 5 मिनट के लिए चीज रोकना होगा। चीज क्यों रोकना होगा? फोन आया है। कहां से? आपके मैडम के पास। व्हाट? आपके मैडम के पास से। नमस्ते मैडम। प्लीज डार्लिंग, आज मेरे पति घर पर नहीं है, आज रात के लिए आ जाओ ना। किससे बात कर रही हैं आप मैडम? मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं और मेरी ये इच्छाएं सिर्फ तुम ही पूरी कर सकते हो, आ जाओ ना। नो, अग्नि इज फायर, अग्नि खत्म हो जाएगी पर बिकेगी नहीं। डायलॉग अच्छा है ना, क्या कहते हो? सर ये कहाँ गए? चले गए सर। तुम क्या कर रहे थे? आपके पीछे खड़े थे सर। वेरी गुड, कम ऑन फॉलो मी। वहां देखो। अरे भाई चुप रहे, वो चला गया। चल चल चल, समय नहीं है, चल जल्दी। अरे बाप रे, थैंक यू सर, आधे घंटे से ट्राई कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी, आपने आकर स्टार्ट कर दी। बाय। व्हाट हैपेंड? अब एक कदम ही नहीं चलूंगा। पत्थर उठा और अब इस पत्थर से उसे मार। क्यों, मेरी जगह वो भागेगा? ये खोखो नहीं है, कुत्ता है। माय लवली ब्रदर, मारना। अरे भागो, कम कर जल्दी भैया। डॉग इज अ सीक्रेट ऑफ एनर्जी। पावर एनर्जी भाई, जल्दी अंदर चल चल चल। किधर गए वो? नो, कॉकरोच,
कॉकरोच 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 कॉकरोच। चलो अजहर भाई को बता देते हैं कि वो दोनों मर गए। स्वामी तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, वो दोनों राम लक्ष्मण जल के भस्म हो गए हैं। थैंक यू अजहर भाई, कल ही आकर तुमसे मिलता हूँ। ओके गुड नाइट, रखता हूँ। गुड नाइट, अच्छी वाली गुड नाइट। लीला लीला ला ला लीला। हेलो मामा, हम डुप्लीकेट राम लक्ष्मण। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज के बाद तुम ही ओरिजिनल हो। मतलब अजहर भाई के आदमियों ने बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया उन्हें। कहाँ पे? मुझे क्या पता, वो दोनों मर गए, काम खत्म हुआ। तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। चला जा। बाप रे, चला जा जा। नाश्ता रेडी है क्या? रेडी सर। लाओ जल्दी। अब तक तो उन दोनों कमीनों का जेल में कीमा बन गया होगा। हाँ? कौन दोनों कमीने? अरे वही दोनों जो बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं। हाँ? आपके डुप्लीकेट। मुझे क्यों मारा? अगर एक बार और उन दोनों के बारे में कुछ भी कहा ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। चुपचाप परोस, वो दे इडली भी दे। अब से हम ही ओरिजिनल से, इसलिए ऐसे ही रहना होगा ताकि किसी को शक ना हो। भाई आई डोंट नो व्हाई, आज बहुत भूख लग रही है, तुम्हें भी लग रही है क्या? बिल्कुल। नाश्ता रेडी है क्या? जल्दी से दे दो, भूख लगी है। अरे अभी तो खा के गए थे ना। हाँ क्यों रे, सुबह सुबह पी ली है क्या? चल जल्दी से परोस। जो बात है ना वो साफ साफ कहनी चाहिए, वो डुप्लीकेट राम लक्ष्मण बहुत अच्छे हैं। आपके मारा। I am telling you for the last time, फिर से ऐसी बात करेगा तो मार डालूंगा। I'll kill you. Go, get out, get lost. अजीब पागल लोग हैं। गाली दिया तो भी मारा, नहीं दिया तो भी मारा, फायदा ही नहीं है। मैं पी के सो जाता हूँ। What about today's conference? We will have to attend it. सर, प्रभु, नमस्ते जी। हाय मिस्टर रॉय, कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मुझसे ये टेंशन सही नहीं जा रही। मेरे हाथों से मैंने आपको 50,000 दिए थे, आपने कहा कि आपने नहीं लिए सर, और मेरी नौकरी मेरे हाथ से चली गई। तो जाना ही चाहिए। सर, ऐसा मत कहिए सर, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। क्या मतलब, हम आपके लिए झूठ बोले क्या? हमने आपके पास से 50,000 नहीं लिए। आई डोंट लाइक दिस नॉनसेंस, गेट आउट, जस्ट गो। सर, दिमाग खराब है क्या? सर, सर, हाय रे रब्बा, ये हमारा घर, हाय रब्बा हमारी जायदाद। क्यों भाई, ऐसे क्या देख रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मजाक मत उड़ाइए सर। मजाक की क्या बात है, तुम रॉय हो, बहुत अच्छे इंसान हो। हमारे पास जब क्रेडिट कार्ड नहीं था तो तुमने हमें 50,000 रुपए दिए थे। सर, 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 आप इस बात पे अड़े रहो सर, वो पैसा मेरे मुंह पे मार दो सर। मुझे जरूरत है, एटलीस्ट वो पैसे मिल जाएंगे तो मेरा कुछ खर्चा चल जाएगा सर। हमारा वन वे ट्रैफिक है, लेते हैं देते नहीं, समझे? सर मुझसे मजाक मत कीजिए, सर। अरे भाई क्यों टेंशन दे रहे हो, देखो हमारे पास पैसे नहीं है। एक काम करो, तुम वो टीवी लेकर जाओ। सर, सर सच बोल रहे सर, हम इस घर के मालिक है, हम कह रहे हैं लेकर जाओ सर। कितना महंगा होगा? दिन दहाड़े हमारे घर में चोरी कर रहे हो? फिर क्यों मजाक कर रहे हैं सर, आप ही ने तो कहा था ले जाओ। मैंने तुमसे कहा ले जाने के लिए? अपने कपड़ों की तरह बात मत बदलिए, अभी तो आपने कहा था ले जाओ। hey, ये आदमी पागल हो गया। Are you crazy? I'm not crazy. पुलिस कंप्लेंट कर देता। हाय रब्बा, रॉय रब्बा, रॉय रब्बा, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? कपड़ों के जैसा मुझे धो दिया और पूछ रहा है कि क्या हुआ? हमने तुम्हें मारा, फुटबॉल की तरह मारा मुझे। भैया हमारे कारण सिर्फ उसकी नौकरी नहीं गई, दिमाग भी चला गया बेचारे का। हाँ यार, मुझे इसे देखकर दया आ रही है। hey, मेरी बात सुनो, हमने तुम्हें मारा ये बात हम मान रहे हैं, इसलिए अब ये तुम फ्रीज भी लेकर जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे यार, आप कपड़े बदल कर आएंगे और पूछेंगे आर यू क्रेजी फेलो, और मुझे मारने के बाद कहेंगे हमने तुम्हें कब मारा, हम तुम्हें जानते भी नहीं। अब हम नहीं आएंगे, हम बाहर जा रहे हैं, चाहे तो देख लो, चला जा। वो फ्रिज नहीं बोलना। हे भगवान, ये फ्रिज में अकेला कैसे उठाऊं? इसे उठाता हूँ। ए भाई, ए भाई, थोड़ी मदद करोगे क्या? इसलिए दारू भी नहीं है क्या? नहीं भाई, वो फ्रिज थोड़ा बाहर लेके जाना चोरी है। चोरी कर रहा है वे? अरे चोरी नहीं कर रहा, राम लक्ष्मण ने ले जाने को कहा। अच्छा, है। प्रॉमिस? प्रॉमिस भाई। चला जा। आजा भाई, इसे नीचे रख के भाई।
स्विच निकाल देता हूँ। इतनी धुलाई के बाद भी तुझे अकल नहीं आई क्या? क्यों अभी तक आप लोग बाहर नहीं गए क्या? Look at this guy. हमें बाहर भेजकर सामान चोरी करना चाहता है और वो मूर्ख कहाँ है? हमारा नमक खाता और हम ही को धोखा दे रहा है। सॉरी सर, नो मिस्टेक, आपने लेके जाने को कहा है ऐसा इसने बोला। आपकी बारी। Enough of this nonsense. पुलिस को फोन करते हैं, चला जा। कौन सा 50,000, कौन सा टीवी, कौन सा फ्रिज, कौन से कपड़े बदल के मारने का स्टाइल, मैं कहाँ हूँ? कमिंग कमिंग, आ रहा हूँ। राम लक्ष्मण है क्या? हाँ बैठिए ना। हाँ वेट वेट, कौन चाहिए? राम लक्ष्मण से मिलना है। आप कौन है? हाँ उनकी होने हाँ? वाली बीवियाँ हैं। लगता दिमाग खराब हो गया है, उनकी बीवियाँ हम हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? हाथ पैर तोड़ूंगी। बिल्कुल हाँ? मेरे हाथ पैर तोड़ेगी, हिम्मत है क्या? राम लक्ष्मण हमारे, राम लक्ष्मण चाहिए, राम लक्ष्मण हमारे होने वाले पति है। शक्ल देखिए अपनी, उनकी नौकरानी बनने के लायक नहीं। अपनी शक्ल देखिए क्या, बिल्कुल चुड़ैल लगती है। मैडम आप लोगों के लिए चाय बनाई है, चुपचाप सब मिलके पी लो। मैं राम लक्ष्मण चल जाएगा। ये क्या चल रहा है? अभी के अभी यहाँ से जंप हो जाते हैं। ए यहाँ से नहीं पीछे से। अरे वो लड़ रही है ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लिए भी तू भी ले। What do we do now? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। I'm totally confused. सर, मेरा सिर फटा जा रहा है। चाय लीजिए सर, दर्द दर्द कम हो जाएगा। चल यार पीते हैं। सर नीचे चार लेडीज आप लोगों का वेट कर रही है सर। We know, मुझे पता है, get out. तुझे तो देख लूंगी। कुछ अलग है ये, शराब की तरह है लेकिन अच्छा है। ए, शहर में आकर हम दोनों को छोड़कर इन दोनों से चिपकने लग गए। रुको रुको, मैं बचाती हूँ। क्या मतलब है? चुप कर जाओ, तो मैं बाद में देखूँ। राम लक्ष्मण को बुलाओ जल्दी से। अरे मैंने उन्हें बुलाया पर उन्होंने मुझे भगा दिया। उन्हें भगा दिया क्या? चल मैं देखती हूँ। हाँ देखो आराम से, आराम से। अरे लकी, तुझे फ्रिज में से कुछ चाहिए क्या? आयरन मिल्क। ओके वेट। ए राम, नीचे जो दो लड़कियां बैठी है वो कौन है? हां बताओ। नीचे जो घूम रहा है वो अब मेरा सर घूम रहा है। मैं शादी कर रहा हूं। अब ए तुम कहां जा रहे हो? ए कौन है बोलो? तुम्हें अपना पति क्या रही है? क्या कहा? पति पति क्या रही है? अब एक मिनट, तुम मुझे छोड़ कहीं नहीं जा सकते। ए कहां गए? अरे यू क्यों, आप पेट से हैं क्या? आप पियेंगे क्या? ओहो तुम यहाँ? ओहो काज सर कैसे हैं? वैसे आप इस शहर में कैसे? मेरे बेटे यहाँ पर हैं, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। इतने में ये एक्सीडेंट हो गया। रॉन्ग रूट पे जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। भले ही मैं रॉन्ग रूट से आया हूँ लेकिन राइट आदमी से मिला हूँ। वैसे कहाँ जाना है आपको? जुबली हिल्स रोड नंबर 10। जुबली हिल्स रोड नंबर 10, मैं भी वही जा रहा हूँ। चलो मेरी कार चलते हैं। चलिए माय डियर सन्स। मतलब अभी तक तुम लोग जिंदा हो? तुम लोग अभी तक मरे नहीं क्या? क्या है ये कंफ्यूजन? अमेरिका से इंडिया आने तक 2 से 4 हो गए क्या? इनमें से मेरे दो कौन हैं? तो फिर मेरे दो कौन हैं? और मेरे दामाद कौन है? और इसमें से हमारे पति कौन हैं? और हमारे पति कौन हैं? लगता है थोड़ी देर में ये लोग मुझे ही पति बना देंगे। सुन लो,
सबको कह रही हूँ ध्यान से सुनो, जब तक बिजली वापस नहीं आती यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। अर्जेंटली अजहर भाई को फोन करना होगा वरना मेरा खेल खत्म। अजहर भाई मैं बोल रहा हूँ, अरविंद स्वामी। योर अटेंशन प्लीज, विशाखापट्टनम से आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। उसके नीचे सर रखकर मरने वाले सभी से मेरा ये निवेदन है कि वो तैयार रहें। इसकी ऐसी की तैसी, अब ये भूल के रेलवे अनाउंसर बन गया है। अरे वाह, बिजली आ गई, जहाँ रुके थे वहाँ से दोबारा शुरू करो। वैसे इनमें से मेरा पति कौन है? मेरा पति कौन है? डैड, ये दोनों डुप्लीकेट्स हैं, हमारी जायदाद चाहते हैं। ए, चुप रह, तुम हमारे डुप्लीकेट्स हो, हम पर भरोसा करो डैडी। हाँ डैडी। मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रही हूँ, एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी की डिलीवरी करने के लिए तुम दोनों एक ही हॉस्पिटल गए थे ना? सही कहा, पर आपको कैसे पता? तुम दोनों की डिलीवरी करने के लिए एक ही डॉक्टर आया था ना? हाँ, आपको ये भी पता है? अरे इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो नहीं पता होनी चाहिए? ये कोई अभी का आइडिया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना आइडिया। सीता, गीता, राम, श्याम सब डबल रोल थे, जुड़वा बच्चे पैदा हुए ना तो नर्स ने कंफ्यूज होके इधर का बच्चा उधर, उधर का इधर कर दिया था। मतलब ये राम दोनों एक ही माँ से पैदा हुए हैं और ये दोनों लक्ष्मण दूसरी माँ से पैदा हुए हैं। मतलब ये हमारे जुड़वा भाई हैं। तो फिर ये राम लक्ष्मण भी मेरे ही बेटे हैं? कितने आराम से पूछ रहे हो ये सवाल, इस बात का जवाब तो ऊपर वाले को भी नहीं पता होता। तो फिर कैसे? अरे सीधी सी बात है ना, इन चारों बच्चों के तुम दोनों ही माँ बाप हो। ये कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं है, संभव होगा, संभव होना पड़ेगा। ये राम दूसरे राम का जुड़वा भाई है, बस पला बड़ा ये लक्ष्मण के साथ, ये लक्ष्मण उस लक्ष्मण का जुड़वा भाई है लेकिन पला बड़ा उस राम के साथ, इसलिए पैदा होने के बाद ये चारों अपने दूसरे भाइयों के साथ बड़े हुए, तो कह सकते हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये बिजली को भी पता नहीं आज क्या हो रहा है, कभी आती है कभी चली जाती है। अरे बाप रे, मुझे उस रावण को यहाँ बुलाना ही होगा वरना मेरा काम खत्म। किया अजरुद्दीन बैटिंग, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, नेट राइट ऑफ लाइट मिड विकेट मिड ऑन, वाओ ब्यूटीफुल बॉल, सिक्सर। भूलने वाले के अंदर इतनी वैरायटी होती है मुझे पता नहीं था, हे भगवान। जो हुआ सो हो गया, आई एम सॉरी ब्रदर। असल में ये बात तो हमें कहनी चाहिए भाई, और देखो जायदाद के लिए हमने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। एक ही बार कहा था ना मार डालूंगा, नो प्रॉब्लम। आज से हम चारों की जान एक ही है, बिल्कुल अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सब सही है, आज से मेरी जायदाद के चार हिस्से होंगे, तुम चारों हैप्पीली एंजॉय करो। चारों एंजॉय करेंगे तो फिर मेरा, तुम्हें तो खत्म कर देना चाहिए। इसने किया क्या? असल में जो भी हुआ उसकी वजह यही है। इस बदमाश को ऐसे ही छोड़ना मत, है बहुत बुरी धुलाई कर रहा है इसकी। दादी लगता है भैया आ गए। अरे हमें से इसे किसने मारा, उससे क्या, ये दुष्ट मर गया, बस यही चाहिए था ना। देखो वो अग्नि आ रहा है ना, उसने अगर ये बॉडी देख ली तो नीति सच्चाई न्याय अन्याय का पाठ पढ़ाते हुए रिश्ता देखे बिना सबको जेल में डाल देगा वो। अरे वाह, भगवान ने ठीक वक्त पर बिजली गुल कर दी। इसको जल्दी से उठा के कहीं बिठा देते, चलो चलो पकड़ो पकड़ो। How bad? हमारे शहर की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कुछ नहीं हो सकता। I can't. घर में कोई है कि नहीं है? अरे सारे लोग घर पर ही हैं। लेकिन बिजली आने तक तुम वहीं खड़े रहो, उसके बाद हम इस विषय पे बात करेंगे। बिजली को क्या हुआ? बिजली चली गई। वो तो मुझे भी पता चल रहा है। बढ़िया, मरने के बाद लाश का कोई मुंडन करता है क्या? मूछ लगा दूंगी ना तो तू बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएगा। क्या करें अब इसका। क्या हुआ भाई साहब? मेरी नकली मूछ का पता चल गया, लेकिन ये निकाली किसने होगी? दुष्ट नीच, बस ऐसे ही पड़ा रहे तू।
मुझे टकला करके मुझे मूंछ लगा रही है। रुक जा, तुझे बताता हूँ। मोमबत्ती मिल गई भैया। अरे तो चिल्ला क्यों रहा है? अरे मोमबत्ती क्यों, किसी का जन्मदिन है क्या? हाँ हाँ, जन्मदिन नहीं, अरविंद स्वामी का मरण दिन है। मेरे सर को मोमबत्ती का स्टैंड बना दिया है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सब इस तरह से बिहेव करो जैसे घर में लाश पड़ी हो। सब इतने शांत क्यों? कौन है जो मेरी मोमबत्ती चुरा के ले जा रहा है? जो भी है वो वहीं खड़ा हो जाए। है? ये कौन है? इसे कहीं देखा हुआ लग रहा है। पहचाना नहीं क्या? ये तुम्हारा अमेरिका वाला दोस्त है। सब कुछ ठीक हुआ तो तुम्हारा होने वाला ससुर। मेरा ससुर? हाँ बेटा, इसकी इंग्लैंड में युगांडा की वसाकाई नाम की एक लड़की है। वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। इसकी बेटी मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं। तो फिर टॉपिक बदलती हूँ। अरे ये क्या किया रे? ये बता तेरी मूछें कहाँ गई? मूछें क्या? वो मुझे किसी ने कहा कि अगर मैं निकाल दूंगा तो अमेरिका वाले मुझसे संबंध बना लेंगे, तो मैंने निकाल दी। ये क्या है भाई साहब? कैसे हो? नहीं नहीं गलत है, क्या आप भी? भाई साहब कैसे हो? अरे क्या कंफ्यूजन है? फिर से पूरी कहानी बताए बिना पूरा मैटर एक सेंटेंस में बताता हूँ। ये चारों एक ही हैं, सब निर्दोष हैं। चारों मेरे दमादी हाँ। हैं। बात तो समझ में आ गई। ये दोनों चोर जीजू को निर्दोष करा करके मैं इन सबको तो छोड़ दूंगा, लेकिन अरविंद स्वामी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उससे हमें क्या? अरे कहीं पड़ा होगा वो, छोड़ दे, वो अपने पाप से मरेगा। और कितनी देर मरने की एक्टिंग करूं? थोड़ी देर और सांस रुकूंगा तो मैं सच में ही मर जाऊंगा। अजर भाई। छोटा भाई हूँ। छोटा बॉस, जल्दी से आप लोग यहाँ पर आ जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ अभी भिजवाता हूँ। देखो अग्नि, 16 तारीख के उसी मुहूर्त पे चारों की शादी उसी मंडप में करवाएंगे। बेस्ट है, तभी मुझे भी खर्चा कम आएगा। ओके, ये आइडिया बहुत अच्छा है। शादी नहीं कर सकते, ये मुहूर्त बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे पाजी नीच, तू अभी तक मरा नहीं क्या? जिंदा रहूंगा तो मार डालोगे, इसीलिए मरने की एक्टिंग की बुढ़िया। मेरे इतने अच्छे बालों को तूने काट कर टकलू बना दिया। मतलब ये अमेरिका वाला दोस्त नहीं है क्या? अमेरिका का नहीं, अपना अरविंद स्वामी। एए! बिजली अब तक अपने आप जा रही थी, अब मैं मेन स्विच बंद करूंगा। अरे ये सब कहाँ गए? जो आए थे वो अजहर भाई के आदमी थे, जरूर उन्हें अड्डे पे ले गए होंगे। उनका अड्डा कहाँ है तुम्हें पता है? पता है। तो फिर जल्दी चलो, हमें उन्हें बचाना होगा। अरे क्या नामर्द की तरह तूने मुझे बांध दिया? अगर हिम्मत है तो मेरा हाथ पांव खोल, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि मैं सूर्यकांता किस चिड़िया का नाम। क्या हमें बताएगी बुढ़िया? बचपन से लेकर जवानी तक मौत से लगातार खेलने वाले मर्द हैं हम। सुनो, थोड़ी देर में ये बर्फ पिघल जाएगी, उसके बाद तुम दोनों। इम्पॉसिबल, आई एम अग्नि। इसीलिए तो आइस पे रखा है, पिघल कर खत्म हो जाने के लिए। इनकी मौत का इंतजाम बहुत बढ़िया किया है। और बाकी के लोगों का बोलता हूँ, देखो ए, तेरी जायदाद पूरी मेरे नाम पे लिखवाऊंगा, इस पेपर पर दस्तखत कर। नहीं करूंगा, मरने तक मैं भी नहीं मारूंगा। ए, उन लड़कियों को यहाँ पे लाओ रे। छोड़ो छोड़ो भैया भैया, इन चारों से मैं अकेले निपटूंगा। चुप, तुम हाफ निकल के स्टेज में हो, तो फुल पेंट पहन कर आओ क्या? फिर भी उनके साथ कुछ करेंगे बे। आइडिया, इन चारों को कांच के टुकड़ों पे शोले की हेमालनी के टाइप में डांस करवाते हैं। डांस देखने के लिए मैं क्या इनका फैन हूँ? ये डैन का डैन हूँ मैं। इन सब को ले जाके और झूले पर बिठा दो। झूला क्यों बॉस? अरे क्यों क्या बॉस, उनको झूले पे बिठाओ और झूले पे बिठाने के बाद झूले पे बैठ के झूलते रहो, झूले पे बैठ के झूलते रहो, ऐसे झूलना। अरविंद स्वामी, तू मजाक में कॉमेडी ज्यादा ही कर रहा है, लेके जाओ बे। झूला स्टार्ट करो जल्दी से। ये झूला झूलने तक अच्छा लगेगा, इसमें से एक भी अगर रुक गया तो इसके ऊपर कनेक्ट किया हुआ वायर कट होके बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। बॉम्ब? बॉम्ब? उसके बाद तुम सबकी बॉडी जल के पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। ये पाप है, ये अन्याय है। मेरी बात सुन ले, अगर किसी को भी कुछ हो गया तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। पहले तो अपने आप को बचा बुढ़िया। उनका तो ठीक है, पहले तेरा मैटर क्या है स्वामी? मेरा मैटर,
मैंने क्या किया? जो किया तूने ही किया है। दो का चार है और तू मुझे ही कटिंग करता है क्या? असल में वो चार है, मुझे खुद भी पता नहीं था। तुझे सच में नहीं पता था? छोटे भाई की कसम, तुझे फिर क्या पता है? सही साइकिल चलाना आता है क्या? हमारे देश में साइकिल चलाना किसको नहीं आता है जी? तो फिर तो मेरे लिए साइकिल चलाएगा। ओ हे, तुम्हारे लिए साइकिल तो क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ अजहर भाई। देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। ये सर्कस की साइकिल लग रही है। चला भाई अच्छे से चला। अरे स्वामी तू जितना चलाएगा उतना टायर पे लगा हुआ फुग्गा हिलेगा। तूने चलाना बंद कर दिया तो समझो बलून हिलना बंद होगा, तभी तेरे हिलने में बड़ा धमाका होगा। उसके अंदर रखे बॉम्ब से तू मर जाएगा। क्या कह रहे हो सर भाई? इसीलिए चलाना बंद मत कर। नहीं भाई चला। अरे अग्नि ये सब देख रही हो तो मुझे मरने से डर लग रहा है। मरेंगे नहीं तो और क्या दादी, कर्तव्य पूरा करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ और फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है बेटा? मेरे नाम से स्वर्ण पदक लेने के लिए कोई तो जिंदा होना चाहिए, तो तुम्हारा बचना जरूरी है दादी। ऐसा मत बोल बेटा, तेरा बचना भी जरूरी है। नो, तुम्हारा बचना ज्यादा जरूरी है। नहीं बेटा, मेरी उम्र हो चली है, अब मैं और जी के क्या करूंगी। तुम और मेरी दोनों पोतियां आगे अच्छे से जीवन बिताओ, मैं बस यही चाहती हूँ बेटा। अच्छा तुम दोनों भाई आ गए। क्यों, तुम्हें लगा हम नहीं आएंगे? आएंगे सोचा था, पर ऐसे एंट्री दोगे ये नहीं पता। चाहे कैसे भी हो एग्जिट बहुत अच्छा होगा, बस देखते जाओ। मेरे बारे में बाद में सोच, पहले मेरे लड़कों से तो लड़ ले। मैं वहां इतनी मेहनत से फाइट कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ आराम से झूला झूल रही हो। तुम जरा इसे रोकोगे क्या? के लिए ही तो आया हूं। रोकने को कहा, झुलाने के लिए नहीं। झूला रोकेंगे तो मर जाएंगे। झूलों से बम का कनेक्शन है, झूला रुकेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। रुको, तुम लोग मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? अरे भाई आप हटिए ना। छोटे भाई बॉस, अरे दादी कौन बदमाश है जिसने तुम्हें ऐसे बांध दिया है? अरे बेचारे इंस्पेक्टर को भी उन्होंने बांध दिया है। तुम बिल्कुल डरो मत, मैं हूं ना। बॉस ये क्या बॉस, आप ही ने तो इन्हें बांधा था। मैंने बांधा क्या? क्या भाई कुछ भी मजाक करते हो, जाओ जाकर इंस्पेक्टर को खोलो। छोटे भाई किसने ये नीच काम किया, किसने इसकी गांठ खोली? मेंटल सती, तेरी इतने हिम्मत की तूने इनकी गांठ को खोला? अरे नीच दुष्ट पापियों, कैसे हो तुम, एक मिनट में दूसरी पार्टी बदल लेते हो। रे मरने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन गाली क्यों दे रही है? तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरी दादी को कुछ भी बोलो? आगे आगे आगे, जला रहा हूँ, जला रहा हूँ, जला रहा हूँ। ओहो बॉम्ब की फिटिंग झूले के साथ किया क्या? तो है अजहर भाई की स्पेशलिटी। अरे बेटा स्वामी चला, नहीं तो मरेगा। उन दोनों वायर में से एक भी वायर कट करेंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और दूसरा वायर कट करेंगे बंद तो? हो जाएगा। पर कौन सा वायर कट करने से बंद हो जाएगा ये सिर्फ मुझे पता, और मैं नहीं बताऊंगा। मैं पता लगाऊंगा ना, वो देख। अरे ये तो रुक रहा है। अरे नारायण यहाँ। हाँ सब आ गया, झुलाने आ गया। जल्दी से जल्दी जल्दी झूले को झुला, नहीं तो बॉम्ब फट जाएगा। झुला झुला। क्या है? चल झूला झूला, हट बे पतले। ए यहाँ आ गया, आ गया।
अरे क्या सोच रहा है बे, रेड वायर काट। कोई किसने सीक्रेट बताया? और किसने, तुमने ही तो बताया। मैंने। राम लक्ष्मण खतरा टल गया है, झूला रोक के सबको उतार दो। तू सच में अच्छा है रे। अब रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तैयार हो जाओ। Nobody can stop Agni. मुझे धोखा देकर मेरी जान खतरे में डाल दी उस अजहर भाई ने। अरे बेचारा, मासूम लोगों को गुंडे सता रहे हैं। रुको, अभी पुलिस को बताता हूँ। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, सर नाचाराम फैक्ट्री में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है सर। सर विलन जो भी हो उसे पकड़कर अच्छी तरह से मार रहा है आपको सर, जल्दी आओ सर। अरे भाई, भाई को क्या हुआ? लॉन्ग शॉट स्पॉटेड, गया। तो अब क्या होगा? बताता हूँ, आज से इस गिरोह का बिग बॉस मैं हूँ। भाई को मारा तुमने और उसे कबूल किया, इसलिए अरेस्ट हिम। कैच हिम, कम ऑन। अरे पकड़ो उसे, जल्दी जाओ। एक बार देख लिया तो क्या, जाओ और फिर से आओ।